वक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो, और समय भी हमारा हो गया है तो, ज्ञान पर चर्चा करनी है तो निश्चित रूप से समय की सीमा को तो हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए कि उस मर्यादा का हम उल्लंघन ना करें। आज की इस परिचर्चा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और बहुत सरल सा लगने वाला ये विषय, सरल इसलिए क्योंकि हम इसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि हमें पता है वस्तुओं का, परिस्थितियों का, मनुष्यों के व्यवहार का, ये सारी बातों को हम जानते समझते हैं। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में थोड़ा सा भी अग्रसर होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं और कई तरह की कठिनाइयां हमें देखनी और झेलनी पड़ती हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों का, अपने दोनों मुख्य वक्ताओं का और आप सब जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिभागी के रूप में और श्रोता के रूप में, आप सबका मैं स्वागत दो एक कथाओं से करना चाहूँगा, क्योंकि सामान्य रूप से ज्ञान को बहुत शुष्क समझा जाता है और भावों को सरसता से के साथ जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन ज्ञान को हम कथाओं के माध्यम से कैसे समझते हैं, उस पे एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ और उससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान के संबंध में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कैसी हैं और क्या हैं और उनको हमें किस प्रकार से, किस रूप में उनको हमें देखना होगा और क्या हमारे पास विश्लेषण उपलब्ध हैं और क्या दिशा हमारे पास उपस्थित है। दो एक बातें, जैसे कि एक कथा, बहुत संक्षेप में, कथा कोई लंबी नहीं है क्योंकि सूत्र शैली में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि एक बार मैं, प्रोफेसर अविनाश जी और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, तीनों शाम के समय सैर करने निकले तो उस हल्की सी हवा में सामने जो मंदिर था उस मंदिर की ध्वजा को देख करके मैंने ये शब्द कहे कि मंदिर की ध्वजा हवा में फड़फड़ा रही है। लेकिन डॉक्टर अविनाश ने मुझे करेक्ट करते हुए तुरंत कहा कि ध्वजा तो केवल नजर आ रही है, फड़फड़ाहट तो हवा में है। लेकिन उसके ऊपर फिर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा ने ये कहा कि ध्वजा तो देखो नजर आती है, हवा महसूस होती है और फड़फड़ाहट वस्तुतः मन में है। अब आप इस कथा से ज्ञान के संबंध को समझें कि ज्ञान की ये कौन कौन से आयाम इस कथा में आए हैं, इन तीन वाक्यों में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसी तरह एक दो पंक्तियों की कथा और है कि एक बार किसी गुरु से लोगों ने पूछा, शिष्य ने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो गुरु ने अपनी एक उंगली उठाई और आकाश की ओर उसने इशारा कर दिया। लेकिन एक उसमें से शरारती जो शिष्य था उसने इस बात का मजाक बना लिया, जब भी कहीं कोई बात होती तो वो एक उंगली उठा देता और धीरे धीरे ये बात गुरु तक पहुंची कि उसके इस इशारे को, इस इंगित करने के तरीके को एक मजाक के रूप में पेश प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक दिन जब वो शिष्य सामने पड़ गया तो गुरु ने उसकी उस उठी हुई उंगली को उसने काट दिया। बड़ी पीड़ा से वो चिल्लाया, लेकिन चिल्लाते ही गुरु ने उसे कहा, उसको आवाज दी कि रुको, भागो मत। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के उसने देखा, गुरु ने अपनी एक उंगली उठा दी और तुरंत उस शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ज्ञान को प्राप्त नहीं हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ये दूसरी कथा है। इसी तरह तीसरी एक और बहुत संक्षिप्त सी कथा है कि एक बार एक साधक को जब ज्ञान सिद्ध हुआ
तो सभी लोग आश्रम में, लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, सब उसको साधुवाद देने आए, बधाई देने लगे और उन्होंने पूछा कि अब तुम्हें कैसा अनुभव होता है, ज्ञान सिद्ध होने पर कैसा अनुभव होता है। तो उसने उत्तर दिया, पहले तो मैं ज्ञान से मुक्ति के आनंद में डूबा रहता था, लेकिन अब मुझे निरंतर दुनिया की तकलीफों, कष्टों और अज्ञानता का निरंतर ध्यान रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो तीन कथाएं मैंने आप लोगों से, दो दो पंक्तियों की ये कथाएं हैं, भूमिका के रूप में आप लोगों के स्वागत में, सम्मान में और एक भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ जो साझी की हैं, उसको आप विश्लेषण कीजिए, समझिए। और जब ये दो वक्ता अपना वक्तव्य दे लेंगे तो उसके ऊपर आप लोग टिप्पणी करने के लिए आप लोगों का स्वागत है। आप जो सामने स्लाइड देख रहे हैं, उस स्लाइड से आप लोग अपने ज्ञान का अनुमान कर सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों में आप निश्चित रूप से किसको क्या कह सकते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं। इस विचार को मन में रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम उलझने जा रहे हैं, प्रश्नों के जंगल में उलझने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या समझ में आता है और हमारे ज्ञान का स्तर और सीमाएं क्या है। नीचे एक श्लोक मैंने दिया हुआ है, वो विशेष रूप से आप लोगों के लिए और मेरे लिए है कि जब हम इस तरह की गंभीर चर्चा में उपस्थित होते हैं तो उस वक्त हमारी अपेक्षाएं क्या होती हैं, सभा की अपेक्षाएं क्या होती हैं और सभासद को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप संस्कृत का यह श्लोक देखिए कि दृष्टि ही श्रुति ही परिस्पंदः प्रतिस्पंदो अपि प्रश्नधीः समाधि रथ सिद्धांत लक्षणानि सभासदान। कि सभासद कैसे होने चाहिए, कि जो विजिलेंट हो, सर्कमस्पेक्शन उनमें हो, कंप्रिहेंशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स करने की उनमें क्षमता हो, इंटरनल अलर्टनेस हो, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता हो, क्वेश्चनिंग माइंड उनके पास होना चाहिए। दे शुड सीक सॉल्यूशन एंड अराइविंग एट एक्सेप्टेबल फैक्ट्स। तो ये गुण हमारे में हो तो इस तरह के विषय को हम ले सकते हैं और समझ सकते हैं और इसमें प्रवेश करने में हमें सुविधा होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैडम मीनाक्षी जी, थैंक यू। तो आज की ये जो मैंने आपको कथाएं सुनाई और ये जो बात आप लोगों के साथ साझी की है, उसमें आप देखिए कि उस विषय को समझने के लिए, उसके आयामों को जानने के लिए हमने आज दो वक्ताओं को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो फॉर्मर चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शास्त्र के ऊपर जिस तरह का उनका अधिकार रहा है और है भी, वो अपने आप में अद्भुत है। और कितनी सहजता से वो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर लेते हैं और सामान्य शब्दावली में भी, वो अपने आप में वाकई प्रशंसा के योग्य है। एक तरफ शास्त्र ज्ञान होना, दूसरी तरफ व्यवहार ज्ञान होना और दोनों के संबंधों को सामंजस्य बिठाना, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। उनका बहुत लंबा चौड़ा परिचय मैं इस वक्त नहीं कर रहा, हालांकि उनकी जितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं और जो उन्होंने एडवांस रिसर्च सेंटर के वो भी अध्यक्ष भी रहे हैं, यूजीसी के कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, आदि आदि ये एकेडमिक उपलब्धियां तो बहुत अधिक हैं, तो मैं उनमें अभी नहीं जा रहा। केवल और केवल मात्र वाणी मात्र से उनका अभिनंदन और हृदय के भावों से उनका स्वागत और सम्मान कर अभिव्यक्त करता हूँ। दूसरे हमारे जो सहृदय विद्वान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, वो भी दर्शन विभाग से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से। अभी उन्होंने जो है वो सेवानिवृत्ति ली है और लगभग 14 के करीब उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं और उनका जो वैशिष्ट बुद्धिज्म के साथ साथ अन्य दर्शनों को जिस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं और समझते हैं, जानते हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और कमाल की बात है। आप
बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके भी जिन विषयों को नहीं समझ सकते, जिनके ऊपर अधिकार भी नहीं कर सकते, प्रवेश प्रवेश करना भी जिसमें मुश्किल होता है, अधिकार करने की बात तो दूर की है, उन विषयों को वो कितनी सहजता से आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, करेंगे, ये आप लोग उनके व्यक्तित्व से और उनकी वाणी को सुनकर के स्वयं ही समझ जाएंगे। और ये दोनों विद्वानों की मेरे पर विशेष कृपा है कि मेरे एक निवेदन पर उन्होंने इस तरह के विषय के साथ, मैं कहूँ उलझना या उस विषय को सुलझाने का दायित्व तो उन्होंने तुरंत जो वहन किया है, उसके लिए मैं जितना उनका धन्यवाद करूं वो कम ही होगा। हम लोग तो इस तरह के विषयों में उलझे रहते हैं, लेकिन इस तरह के विद्वान जो हैं वो उसमें किस तरह से मार्ग, उनकी विद्वत्ता जो है एक नौका की तरह होती है जो हर तरह की लहरों को पार करते हुए हमें मार्ग दिखाती है और तैरना भी सिखाती है कि किस तरह से इस उथल पुथल में आपने अग्रसर होना। और साथ ही साथ आप सब जो प्रतिभागी हैं उनका भी मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। और नीचे का जो आप चित्र देख रहे हैं कि ज्ञान की समस्याएं देखिए कितनी व्यापक भी हैं और दैनंदिन जीवन में आपको ये दिखाई भी देती हैं। एक ही रियलिटी है लेकिन उसको देखने के दो दो पक्ष हैं। और टोटल मीडिया जो है, जो आपको ज्ञान दे रहा है और जो ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कैमरे का एंगल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नीचे का जो चित्र है उसमें आप यही देख रहे हैं कि एक दृष्टि से देखे तो वो गिनती कुछ और दिखाई देती है, दूसरी तरफ से आप गिनने लगते हैं तो वो कुछ और दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कौन सा ज्ञान निश्चित ज्ञान है, कैसे निर्णय आप करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज को भी थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे मुख्य वक्ता जो हैं वो अपनी बात आरंभ करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में मैं जितनी मेरी समस्याएं हैं मैं उनके अर्पित कर दूं, ताकि वो उसका जितनी उलझने हैं उसको वो सुलझा दें। देखिए, ज्ञान के संबंध में एक बात हमें जान लेनी होगी कि ज्ञान को लेकर के जितने भी प्रश्न या समस्याएं होती हैं वो उठती या उठाई जाती हैं। ये दो भेद हैं। उठने का संबंध तो इस बात से है कि आप स्वयं विचार करते हुए ज्ञान की कौन सी समस्या या कौन से प्रश्न को आपके सहज चिंतन से वो उत्पन्न होती है, लेकिन जो उठाई जाती समस्याएं हैं वो दूसरों के द्वारा हमेशा उठाई जाती हैं। कोई ना कोई, जैसे मैं आप लोगों के लिए ये समस्या उठा रहा हूं कि ये ज्ञान के संबंध में समस्या है, लेकिन कुछ समस्याएं मेरे अपने चिंतन से जो उत्पन्न हो रही हैं वो उठती हैं। तो उठती और उठाने के इन दो पक्षों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके इस एक पक्ष को और हम थोड़ा सा देख लें कि सामान्य रूप में इस भाषा को, जब भाषा में जब इस बात को लाते हैं तो उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा, बहुत सरल उदाहरण के द्वारा, कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको राम का ज्ञान है, ये वाक्य अटपटा लगेगा, जबकि आपको जब मैं ये कहूंगा कि आप राम को जानते हैं तो ये बड़ा सहज लगेगा। व्याकरण की दृष्टि से दोनों वाक्य शुद्ध हैं। आपको राम का ज्ञान होना और राम को जानना बात एक ही है, लेकिन समस्या अलग-अलग है कि यहाँ पर जानना अर्थ और ज्ञान होना दोनों भिन्न बोध को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत, जब मैं आपको ये कहूँ कि क्या आपको गणित, क्या आप गणित जानते हैं या आपको गणित का ज्ञान है, दोनों ही बातें ठीक लगती। तो इस तरह से जब आप भाषा के माध्यम से उस ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आप और गहरे उलझते हैं। तो वहां आपको विद्वानों की सहायता की आवश्यकता होती है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको मार्ग दिखाएं। और इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं वो समस्या थोड़ी सी और गहर गंभीर है। इंडिविजुअल नॉलेज और म्यूचुअल नॉलेज, ये दो कॉन्टेक्स्ट भी जानने वाले हैं, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्सिटी की सबसे बड़ी जड़ है। यहां पर उलझन क्या होती है कि जब आप, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, बहुत ब्रीफ में, कि दो व्यक्ति ए और बी जो हैं वो दोनों एक दूसरे के विषय में जानते हैं कि उसको मेरे विषय में ज्ञान है, ये ए को भी पता है और बी को भी पता है कि ए के विषय,
ये जो है वो मेरे बारे में ज्ञान रखता है। अब ये ज्ञान का ये कौन सा स्वरूप होता है? और केवल इतना ही नहीं, इस चीज को और अधिक आप आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि जो ये व्यक्ति जो है, जो कुछ वो जानता है उस ज्ञान के बारे में मुझे ज्ञान है, ये अपने आप में और गहरा हो जाता है। और इस तरह की बात जो है वो सामान्य रूप से पॉलिटिक्स में और अन्य चीजों में प्रयोग होती है, जहां आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जहां आप कई तरह के जब समझौते करते हैं, वहां पर इस तरह की समस्याएं ज्ञान की आती ही आती हैं। तो इंडिविजुअल नॉलेज और म्यूचुअल नॉलेज ये अपने आप में एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मैं यहीं पे अपनी बात को रोकूंगा इसी स्लाइड पे कि देखिए मैडम, आपने जो मैंने लेटेस्ट भेजी थी, आपने वो वाली स्लाइड नहीं शेयर की। मुझे लगता है आप 1 मिनट रुकिए, मैंने एक दूसरी स्लाइड थी। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इस स्लाइड में रखो रखो, आप अभी स्लाइड को रखें उसको। दो तरह की भाषाएं हैं, संस्कृत और अंग्रेजी। संस्कृत की विशेषता ये है, संस्कृत में आप देखिए कि अहम से लेकर के अस्मि के बीच में सब कुछ आ जाता है। आप अपने से आरंभ करते हैं और संसार भर को, आप सारे ब्रह्मांड को बीच में डाल लीजिए। लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजी में ऐसे नहीं कर सकते। अंग्रेजी में ज्ञान बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि आई एम, मैं और मेरी क्रिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी शेष दुनिया सारा ब्रह्मांड अलग है। तो दोनों के, मुझे लगता है कि ज्ञान की प्रक्रिया में अंतर पड़ जाएगा, ज्ञान के बोध में अंतर पड़ जाएगा। कि एक तो है कि मैं सारा का सारा कहाँ निर्भर कर रहा हूँ, अस्मि पे निर्भर कर रहा हूँ, अहम से लेके अस्मि के बीच में संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थापित करता हूँ। और दूसरी तरफ आई एम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज डिफरेंट। दूसरी बात, ज्ञान को हमें 3 पक्षों से भी समझना है। ये आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ज्ञान जो है वो डूअर का नॉलेज, कर्ता का ज्ञान और भोक्ता का ज्ञान और ज्ञाता का ज्ञान, ये 3 जो पक्ष हैं, इन पक्षों में ज्ञान को आप कैसे लेंगे? क्योंकि जो कर्ता करने वाला डूअर है और इंजॉयर है और जो नोअर है, तीनों के एक्शंस, तीनों का परसेप्शन बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए इस बात को जरूर हमें ध्यान देना होगा कि ज्ञान को केवल आप ज्ञाता की दृष्टि से नहीं देख सकते, आपको उसको डूअर की दृष्टि से भी देखना है और आपने उसको इंजॉयर की दृष्टि से भी देखना है। क्योंकि भोक्ता भी, आप भोक्ता के रूप में भी ज्ञान होने पे ही चीजों का भोग कर पाते हैं, और इसी तरह से कर्ता होने पे, कर्ता का ज्ञान होने पे ही आप वस्तुओं को कर पाते हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ उसमें केवल 4 प्रश्न छोड़ करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए मैडम, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप कर लीजिएगा। देखिए यहां पर आई होप आप देख पा रहे हैं स्लाइड मेरी वाली। जी हाँ, देख पा रहा हूँ। जी, इसमें 4 में 5 प्रश्न रखे हैं आप सभी के लिए। आपकी आवाज इको हो रही है। वो प्रश्न है कि नॉलेज एंड थॉट, ज्ञान में विचार की प्रक्रिया का क्या महत्व है और विचार क्या करता है। आशुतोष जी, आपकी आवाज इको हो रही है, बहुत गूंज रही है। ओके ओके ओके, अब ठीक रहेगा। कि नॉलेज और थॉट, इन दोनों के संबंध को हमें समझना होगा, उसको विश्लेषित करना होगा। दूसरा जो प्रश्न रहेगा नॉलेज और लैंग्वेज का, जो कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा उसका बात कर चुका हूँ कि वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और भाषा कभी भी ज्ञान को पूरी तरह से बता नहीं पाती है, शेयर नहीं हम कर पाते हैं, और हमें अक्सर अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में प्रयोग करना पड़ता है कि मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरे कहने का अर्थ कुछ और था। तीसरा जो प्रश्न है कि नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस और इन्फिनिटी, हाउ डू वी हैंडल दैट,
उसको हम क्या कहते हैं और कैसे समझते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स के लोगों से बात करो तो वो केवल कि भाई इन्फिनिटी, बस बस वो इन्फिनिटी गिना देते हैं, लेकिन इन्फिनिटी क्या है ये बता पाना उनके लिए भी संभव नहीं है। और नॉन एग्जिस्टेंस का प्रश्न तो न्याय में और बौद्धों में इसको शून्य के संदर्भ में भी लेना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर जरूर टिप्पणी प्रोफेसर अविनाश जी करेंगे। और एक चौथा प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो है नॉलेज और एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का प्रश्न भी बड़ा गंभीर प्रश्न है, तो वो किस तरह से हमारे ज्ञान में बाधा भी बनती है उसको भी हम देखें। और सबसे अंतिम जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, समस्या ये है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ माय नॉलेज, मेरे ज्ञान की सीमाएं कौन सी हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है मुझे, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ करके जाते हैं अगले वाले आपको पूछ लेते हैं कि आपको आपने ये भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और फिर आपको दोबारा पढ़ने के लिए तत्पर होना पड़ता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि उपनिषदों में कथा है कि श्वेत केतु की ही शायद वो कथा है कि वो बच्चा जो है वो गुरुकुल से पढ़ पढ़ कर आया, और आते ही पिता ने उसके चाल ढाल को देख करके उसे प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुमने वो सब कुछ जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये बड़ा कमाल का था। और वो बच्चा जो अभी अभी अपना पीएचडी की डिग्री तलवार और ढाल के रूप में लेकर के आया था, वो सारे के सारे हाथ से फिसल गई। तो इस तरह के जब प्रश्न सामने आते हैं तो हम सभी के सामने बहुत सारे और आयाम खुलते चले जाते हैं, लेकिन उन सब आयामों पे चर्चा करने के लिए ही हमने आज आप सब लोगों को, विद्वानों को आमंत्रित किया है। और दो मुख्य वक्ताओं को हमने विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है कि वो हमें कैप्सूल फॉर्म में इस ज्ञान की समस्याओं से, उसके विविध आयामों से हम सभी को वो परिचित करवाएं, और फिर हम जो है वो उसके बाद एक खुली चर्चा जो है वो लेंगे। उसमें आप लोगों के प्रश्न भी होंगी, टिप्पणियां भी होंगे, अगर कोई सुझाव है, कोई और भी कोई बात आप उसमें रखना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को, जो पूर्व अध्यक्ष हैं दर्शन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से, कि वो कैप्सूल फॉर्म में वो हमारे साथ इस विषय पे चर्चा रखें। और फिर उसके बाद प्रोफेसर अविनाश जी अपना पक्ष रखेंगे, और फिर उसके बाद हम विल हैव एन ओपन हाउस डिस्कशन एंड देन वी विल कंक्लूड, विल ट्राई टू कंक्लूड इट। सर आपका स्वागत है। मैडम मीनाक्षी आप इसको शेयर कर सकती हैं, स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। बैक पे चले जाएं, आप इसको छोड़ दीजिए और पीछे चले जाएं, फर्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाइए। जी डॉक्टर साहब आप अपना वक्तव्य आरंभ कर सकते हैं। आ ब्रह्मांड पिपिलिकांत तनुभेत्सु दृम्भमाणास्फुटम् जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निर्बोधरूपं योगींद्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वद्गण, माननीय आशुतोष जी और अन्य जितने भी लोग भारत के विभिन्न भागों से जुड़े हुए, उन सबका अभिनंदन और सादर नमन। प्रोफेसर अविनाश जी और इन सबका अभिनंदन करके मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने, आशुतोष जी ने बहुत से गंभीर प्रश्न उठाए, जो मतलब बहुत ही कठिन प्रश्न है सब, फिर भी मैं इसको कुछ संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा।
आपने जो अंत में कहा कि एक तो ज्ञान और विचार का संबंध, ज्ञान भाषा का संबंध, ज्ञान की सीमाओं का संबंध, और इससे कुछ प्रश्न रखे भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में की बात भी आपने रखी कि इंग्लिश में और हिंदी में इनको भेद दिखाई दे रहा है, तो इनमें दोनों में ज्ञान का स्वरूप अलग अलग रहा कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या होगा। हम पश्चिम के दर्शन से शुरू करें तो सुकरात ने यह माना था कि ज्ञान सबसे बड़ा सद्गुण है, ज्ञान होने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अज्ञान से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, अज्ञान ही अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है और हमें अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या विश्व की यही है कि हमें क्या क्या नहीं आता ही हमें नहीं पता और हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो उन्होंने सर एक सेकंड सर, सर आपकी आवाज कट रही है, अच्छा अगर आप चाहें तो दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप कनेक्ट कर लीजिए। अभी आ रही है सही? हाँ अब ठीक है सर, नाउ इट्स ओके। तो मैं सुकरात से बात शुरू कर रहा था कि सुकरात ने कहा ज्ञान सबसे बड़ा गुण है, सदगुण है, और ज्ञान के आने पर हम सही काम करते हैं और कोई भी गलत काम तभी करते हैं जब हमारे अंदर अज्ञान होता है। तो हमें धर्म का ज्ञान नहीं है, विवेक का ज्ञान नहीं है, नैतिकता का ज्ञान नहीं हो तो हम गलती करते हैं। हर गलती आदमी कोई जानबूझ के नहीं करता, उससे हो जाती है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान सबसे बड़ी समस्या है और उस ज्ञान को हम समझें कैसे, तो वहाँ जो ज्ञान का स्वरूप सुकरात बताते हैं वो ज्ञान का स्वरूप एक तरह से नैतिक है, और ज्ञान जो है एक सद्गुण के रूप में, अच्छे आचरण के रूप में बताया गया कि ज्ञान अगर होता तो हम गलती नहीं करते, और सभी जितने भी लोग हैं उनको किसी को अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं है, सब अपने आप को हम ज्ञानी समझते हैं, कोई अपने आप को अज्ञानी यानी मूर्ख कोई नहीं मानता अपने आप को, और दूसरों को मूर्ख मान सकता अपने को नहीं मानेगा कभी भी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हमें ज्ञान को ही जानना चाहिए, ज्ञान हमारे लिए सबसे जानने योग्य विषय। यहाँ जो ज्ञान का स्वरूप आया वो एक नैतिक स्वरूप आता है कि इसमें ज्ञान वो हुआ कि जिससे हम एक अच्छा आचरण करें, और उस अच्छे आचरण से का मतलब जो है उस अच्छे से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, और अगर हम बुरा आचरण करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो ये यहाँ ज्ञान की परिभाषा प्रतीत होती है। बाद में प्लेटो ने इस बात को संक्षिप्त में कहा, और प्लेटो ने ये बताया कि भाई दुनिया दो तरह की मानते हैं वो, एक ज्ञान की दुनिया मानते हैं और एक इंद्रिय जगत मानते हैं। तो जो ज्ञान का जगत है, जो ज्ञान का जगत है वो सटीक है और वो एकदम एक्यूरेट है, और बाहरी जो जगत है वो इंद्रिय जगत उतना सही नहीं है। तो हमें जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हमारे को इंद्रियों से होता है, और इस ज्ञान में हमें उस ज्ञान वो जो ज्ञान है असली ज्ञान जो असली ज्ञान अलग है, और ये जो जगत का ज्ञान है ये इंद्रिय ज्ञान जो है वो इंद्रिय जगत उससे भिन्न है। और उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडिया विज्ञानवाद की स्थापना की। उनकी स्थापना को बाद में अरस्तु ने, जो बड़े वैज्ञानिक विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अरस्तु कह रहे हैं कि देखिए ज्ञान जो है, ज्ञान जगत और दो जगत नहीं है, एक तो ज्ञान का दुनिया आप अलग माने और एक बाहरी दुनिया अलग माने, ज्ञान की दुनिया को असली माने और बाहरी दुनिया जो दिख रही है इसे हम उसकी कॉपी माने कि ये इसकी फोटोशॉप कॉपी है, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं दोनों एक ही जगत है, हम दो जगत क्यों मान रहे हैं। हमें दिख रहा है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम ज्ञान कर रहे हैं, उन वस्तुओं में एक असली विश्व है, एक मतलब एक विश्व जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, पर वो एक अंदर एक विश्व और है, और वो दो नहीं है, एक में दोनों है। जैसे वो कहते हैं कि किसी भी हम वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु को जब देखते हैं तो उस वस्तु का आकार और होता है, तो आकार इसको मैटर और फॉर्म के रूप में समझाते हैं कि द्रव्य अलग है और उस द्रव्य के अंदर एक आकार है, जो आकार है वो सत्य है, वो आकार जो है वो असली विज्ञान है, और उस आकार को समझना चाहिए हमें कि आकार क्या चीज है, और द्रव्य को भी समझना चाहिए कि उसका जो वस्तु जो द्रव्य है जो उपादान क्या है। तो इस तरह से अरस्तु ने इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया कि हमारा जो हम ज्ञान का स्वरूप ढूंढेंगे उसमें हमें चार कारणों की बात करेंगे कि चार तरह के कारण अरस्तु मानते हैं कि चार तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो होता उपादान कारण जिसको हम मेटेरियल कहते हैं, ज्ञान एक मैटर, किसी ज्ञान को एक वस्तु मान लें, एक सामग्री मान लें, तो इसको सामग्री मान लें, ये दुनिया भी एक सामग्री है, इसमें तरह तरह की चीजें हैं, इन चीजों को हमें देखना चाहिए समझना चाहिए। तो हर वस्तु कोई भी वस्तु होगी तो उस वस्तु को जानना हमारा पहला काम है, उसमें मैटर क्या है, उसमें सामग्री क्या है, कारण सामग्री है, किस चीज से वो दुनिया बनी है, या हर चीज को हम देख सकते हैं, दुनिया की हर चीज हमें देखनी है। इस तरह से उन्होंने एक उपादान कारण की बात की। अब उसके अंदर दूसरा जो प्रश्न था अरस्तु का, दूसरा कारण जो था उसके अंदर आकृति क्या है, उसमें आकार क्या है, आकार अलग है, तो आकार की जो बात थी वो एक अमूर्त चीज थी, और वो आकार हम कैसे पकड़े कि हर वस्तु में एक आकार होता है। जैसे हम टेबल को देख रहे हैं तो टेबल जिस चीज से बनी है वो उसका द्रव्य हुआ, वो लोहे की टेबल है, लकड़ी की है, पत्थर की, कोई भी टेबल हो, उसका मैटर अलग है और आकृति उसकी अलग है।
पर आकृति जो वो सत्य होती है, वो कहते हैं आकृति जो पूर्ण सत्य, तो आकृति होगी, मैटर आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से दो दुनिया समझनी चाहिए कि एक ही जगत में दो जगत है, एक मैटर है एक फॉर्म है। तो दो कारणों की बात अरस्तु ने की। बाद में उन्होंने कहा कि और तीसरा जो कारण होता है कि चीजें जब बनाते हैं तो उनके साथ कोई सामग्री भी जुड़ती है, कोई भी कारण कार्य कारण को हम देखेंगे तो वो जो सामग्री जिसकी सहायता से उसको उपकरण कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, कि वो एक उनके साथ में एक तीसरा कारण जो होता है जिसकी सहायता से सब बनता है। और तो था उन्होंने कहा उद्देश्य कारण। तो ये चार कारण कहे। अब ज्ञान को हम क्या माने, ज्ञान को अगर हम वस्तु मानते हैं कि वो वस्तु है तो उस वस्तु का ज्ञान हमें हो रहा है, तो एक तो रूप होगा सामान्य ज्ञान, वो होगा कि जिसमें हम वस्तु के रूप को समझ लें, हम जो देख रहे हैं जिस चीज को देख रहे हैं उसका ज्ञान हमारे अंदर, उसकी फोटो आती है, इमेज आती है, तो ये ज्ञान का एक साधारण रूप हुआ जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो वस्तु का ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अब वो ज्ञान बनता कैसे है, तो इंद्रियों से बनता है। अभी हम इंद्रियों से बना रहे हैं कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं और छठा मन, इन इंद्रियों से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तो ज्ञान का ये रूप हुआ और ये सामान्य रूप है, और सामान्य और विशेष ज्ञान जो अलग हो जाएगा। तो ज्ञान के हम दो भेद मान लें, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। अरस्तु के बाद में के जो दार्शनिक थे उनमें दो भेद हुए, और उन्होंने माना कि ज्ञान जो है वो अलग है। वो जो डेकार्ट ने शुरू किया बुद्धिवाद, उसका अर्थ ये था कि ज्ञान हर व्यक्ति में अलग अलग है, हर व्यक्ति का ज्ञान जन्म से है, वो कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई सीख नहीं रहे हैं, हम सब अंदर ही हम ज्ञान है, क्योंकि हम विचारक हैं, हम विचार करते हैं, हर चीज को देखते हैं, उसका विचार करते हैं, और विचार करते हैं तो विचारक जरूर होगा। तो उस दिन उन्होंने समझाया कि माइंड और बॉडी दो चीज है, शरीर देख रहा है पर इसके अंदर जो माइंड है वो एक अलग है, और वो जो उसको बुद्धिवाद की स्थापना है कि हर व्यक्ति की बुद्धि जन्मजात है, उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, कुछ ज्ञान बाहर से नहीं रहता, ज्ञान उसके अंदर ही है। तो ये सिद्धांत चला। इस सिद्धांत के बाद में एक जो नया सिद्धांत आया जिसको वो कहते हैं इंद्रिय अनुभववाद। तो इंद्रिय अनुभववाद जो था, इंद्रिय अनुभववाद था कि नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम हर ज्ञान को बाहर से सीखते हैं, हर चीज हम सीखते हैं, हमारे अंदर एक खाली है, हमारा मन जो है खाली है, खाली कैसेट है, उसमें जैसे हम जो जो चीज देखते हैं उसका ज्ञान हमारे अंदर होता है, हमने जो देखा जो प्रत्यक्ष किया उसका ज्ञान मेरे अंदर है, जो नहीं किया उसका ज्ञान हमें नहीं है। तो जिन जिन चीजों को मैंने देखा उनका प्रत्यक्ष हुआ। इस तरह से दो बात चले मध्य युग में, और मध्य युग में था एक बात तो था कि बुद्धिवाद यानी सब कुछ पहले से था और बुद्धि निर्णायक है, और पशु पक्षी और जीव जंतु में बुद्धि या माइंड नहीं होता है, केवल मनुष्य में ही बुद्धि है, और वो बुद्धि से वो ज्ञान उसमें जन्मजात है, और इसीलिए वो विचार करता रहता है, तो उसमें विचार क्रम चलता है। दूसरा जो मत था मैंने बताया कि इंद्रिय अनुभववाद की, हर चीज हम इंद्रियों से सीखते हैं, इंद्रियां कारण सामग्री है, और इंद्रियों से हमने जो संवेदना की तो उसका हमें ज्ञान हो गया। बाद में इन दोनों मत को जो हम अंतिम दार्शनिक माने, एक तरह से प्रसिद्ध दार्शनिक कांट, कांट ने इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय किया, उनका कि इन दोनों सिद्धांत में कुछ गलतियां हैं, ये आपस में जो कह रहे हैं इन दोनों में कुछ सत्यता है कुछ गलतियां हैं, तो हम एक अलग सिद्धांत बनाएंगे जिसमें जो जो सही है उसको उन्होंने निर्णय किया कि मैं निर्णय कर देता हूँ कि क्या क्या ज्ञान सही है, और उन्होंने निर्णय कर दिया कि भाई बुद्धिवाद भी है और अनुभववाद भी है, ये दोनों सिद्धांत में कुछ कुछ सच्चाई है कुछ सच्चाई नहीं है, जो गलत है उसको उन्होंने काट दिया और एक अलग सिद्धांत बनाया जिसे समीक्षावाद कहते हैं। तो ज्ञान के ऊपर उनका जो मूल ग्रंथ था कि शुद्ध बुद्धि मीमांसा, उनका ग्रंथ था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो कांट ने अपना पूरा जीवन लगा के निर्णय कर दिया कि भाई जो ज्ञान का जो रूप है वो दोनों है, ज्ञान बाहर से भी हम लेते हैं और हमारे अंदर भी ज्ञान होता है। अंदर से क्या ज्ञान होता है, तो उन्होंने अंदर से ज्ञान की, अंदर क्या ज्ञान है और बाहर क्या है, हमारा मन खाली नहीं है, उसमें अंदर भी कुछ होता है और बाहर से भी हम ले रहे हैं, तो बाहर से जो ले रहे हैं उसको हम इंद्रिय ज्ञान कह सकते हैं, इंद्रिय अनुभव कह सकते हैं। जो हमारे अंदर चलता है, अंदर कौन सा ज्ञान है, तो कहते हैं हम जब किसी ज्ञान को देखते हैं तो उसमें ये ज्ञान कैसे होता है कि ये पूरी है या अधूरी है, पूर्णता का ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं हो सकता। जैसे पूर्णता क्या है इसका ज्ञान हम कैसे करते हैं, अधूरी है ये ज्ञान कैसे होता है, ये एक है ये ज्ञान कैसे होता है, ये अनेक है ये ज्ञान कैसे होता है, तो ये ज्ञान बुद्धि निर्णय करती है। तो बुद्धि क्या करती है कि जो भी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है उस ज्ञान को वो सुव्यवस्थित करती है। तो अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तिगत बुद्धि होती है, उस बुद्धि से उस ज्ञान को वो सुव्यवस्थित करता है। तो दो चीज हो गई कि एक तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और एक अंदर जो हमारी बुद्धि है वो उनको सुव्यवस्थित करती है। जैसे ये मान लें कि हम ईंटें बनाते हैं, तो ईंटें बनाने के लिए एक सांचा होता है जिसमें ईंटों का आकार फिक्स हो जाता है, और
मैटर जो मिट्टी होती है, तो ऐसे ज्ञान एक तरह से बाहर से हमें जो भी चीज हम ले रहे हैं उस ली हुई चीज को हम उसको सुव्यवस्थित करें। तो ये जो दृष्टि थी ये पाश्चात्य दृष्टि रही, और इस पर उन्होंने खूब अध्ययन किया। बाद में उनका जो ज्ञान था वो तर्कशास्त्र पर आया और सामान्य ज्ञान किया। तो खुद कांट ने एक पुस्तक और लिखी कि भाई ये ज्ञान जो हुआ है तो सामान्य ज्ञान, जिसको हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन होगी, एक तरह से हम जानकारी मिल गई, जिसको हम जानकारी कहते हैं। जो आस्तु जी ने कहा था ना कि जानना और ज्ञान होना अलग है, तो जानकारी जो है वो हमें इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। तो एक तो हम किसी शास्त्र को जानते हैं, और एक ज्ञान, इसमें अंतर क्या हुआ कि जानना तो सामान्य जानकारी है हमें जो मिल गई। जैसे अभी हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, इसको आप यूट्यूब पर डाल देंगे, अब कोई भी देख सकता है, तो उसको ज्ञान, उसको जानकारी तो मिल जाएगी कि क्या क्या किया गया, पर वो उसके समझ में आया नहीं आया वो अलग प्रश्न है। तो उसकी बुद्धि उसको कितना ग्रहण करती है, अर्थात बुद्धि जो है हमारी, जो हमारा जो ज्ञान है वो ग्रहण करता है, और वो ग्रहण भी करता है और फिर उसको जमाता भी है। खाली ग्रहण करना इसका काम नहीं है, ग्रहण करके उसको सुव्यवस्थित करता है। तो ये दो काम हमारे अंदर होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान भिन्न हो जाता है। अब जो व्यवहारिक ज्ञान है, कांट कहते हैं कि जो दूसरा ज्ञान है, एक तो सामान्य शुद्ध बुद्धि ज्ञान कह रहे हैं जिसमें हम सामान्य ज्ञान को मान लें, दूसरा जो ज्ञान है जिसको उन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिकल जो है, नैतिकता का ज्ञान कैसे होगा, ये सही है गलत है, ये ज्ञान कैसे होगा, कोई भी घटना कब सही है, किस परिप्रेक्ष्य में सही है, किस में गलत है, तो वो नीति शास्त्र का विषय है। और नीति शास्त्र में का जो ज्ञान वो कठिन है, ये जो ज्ञान है साइंटिफिक नॉलेज है, आप किसी भी चीज़ की आप जानकारी डाल सकते हैं। आजकल जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, सूचना क्रांति हुई, उसमें जानकारियां तो आपने डाल दी, अब वो जानकारी सही है गलत है ये आप निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि वो खाली जानकारी डालना, ये तो पश्चिम के विज्ञान ने एक सिद्ध कर दिया कि हम हर चीज़ के, जैसे हम कैमरा ऑन कर देते हैं, उस कैमरे में क्लोज टीवी में सब कुछ आ जाता है कि वहाँ जो जो घटना घटी सत्य रूप में, जैसी की जैसी है वो वैसे की वैसी वहाँ की सब कुछ आ जाती है, इसमें क्या घटना घटी, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा। पर अब उस पर जो विवेचना है वो अलग है, समीक्षा जो है उसकी अलग होती है, और वो समीक्षा जो है उसको वो कहते हैं कि वो जो प्रैक्टिकल बुद्धि जो है वो अलग है, और व्यवहारिक बुद्धि में हम उसको अलग से विवेचना करेंगे, और उसमें नीति शास्त्र का विचार अलग होगा, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। घटना होना और घटना सही हुई या गलत हुई, ये जो सुकरात का जो मूल प्रश्न था कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप कैसे जानोगे। तो सही और गलत, कोई भी काम हो रहा हो, सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो इसका जो निर्णय करना होता है वो नीति शास्त्र का विषय होता है, और नीति शास्त्र एक तरह से मूल्यांकन करता है। तो इसमें जो मूल्यांकन किया गया कि हम हर चीज का मूल्यांकन करते हैं और तब कह सकते हैं ये चीज सही है या गलत है। जैसे जज बैठ करके फैसले पर वो समूचा केस सुनता, फिर वो लास्ट में मूल्यांकन करता कि मैंने ये सही माना, दोनों पक्ष सुने उसने, दोनों पक्ष सुनने के बाद में जब वो अपना जजमेंट देता है, तो वो जजमेंट बाद में देता है, दोनों पक्ष को जान लेता है कि भाई इसके दोनों लोगों ने क्या कह दिया, अब इसमें मान्य क्या होगा, तो उन दोनों का मूल्यांकन करता है और किसकी बात में कितना दम है इसके आधार पर वो निर्णय करता है। तो इस तरह से पश्चिम के दर्शन में एक ज्ञान को एक पद्धति उन्होंने दी, सिस्टम दिया, उस ज्ञान को उन्होंने हमारे सामने सूचना क्रांति के रूप में भी ले आए, और उस ज्ञान को उन्होंने ले आया कि जो सामान्य जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम ला सकते हैं। पर जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो जज काम करता है वो काम मशीन नहीं करेगी, उसकी हम कि एक जज जो काम करता है निर्णय करता है, इसके लिए 3 जज 5 जज तक बैठते हैं, क्यों, इसलिए उनका जो निर्णय होता है वो वैसा सामान्य ज्ञान नहीं है। वो इस तरह से नहीं कि हम इसकी कैमरा लगा दें, उसकी फोटो ले लें, खाना कर लें, तो नहीं होगा। तो उसमें जो बुद्धि का विवेचनात्मक पक्ष रहता है, ये पश्चिम की दृष्टि रही। हम ये ज्ञान में मैंने एक सूक्ष्म रूप से आपको सूत्र रूप में आपके सामने रखी। भारतीय दर्शन में जो ज्ञान का स्वरूप है, भारतीय दर्शन में जो ज्ञान है जिसको आप ज्ञाता करता है भोक्ता कहते हैं, जो ज्ञान है क्या, तो इसमें 2-3 दृष्टियां मिलती है कि 2-3 तरह के भाग हैं। एक भाग है कि ज्ञान जो है वो गुण है। जो तार्किक लोग हैं, हमारे दर्शन में 2 भेद हैं, स्वत दार्शनिक और तार्किक दार्शनिक। जो तार्किक दार्शनिक हैं वो मानते हैं कि ज्ञान जो है वो आत्मा का विशेष गुण है, प्रत्येक आत्मा में एक विशेष गुण के रूप में ज्ञान आता है, ज्ञान स्वतंत्र कहीं नहीं होता, वो केवल आत्मा में होता है। जिस आत्मा वही होती है जिसमें ज्ञान रहता है, तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो ज्ञान एक विशेष गुण के रूप में माना न्याय दर्शन ने, मीमांसा। वैसे ही प्राय सभी दर्शन इसको, जो यथार्थवादी दर्शन है वो ज्ञान को गुण के रूप में लेते हैं। मीमांसा दर्शन में माना कि ज्ञान जो है वो कर्म है, ज्ञानम तो मानसिक क्रिया, कुमारिल कहते हैं कि ज्ञान जो एक मानसिक क्रिया है, और हमारे अंदर जो विचार चलता है उस विचार को हम, विचार जो होता है
उस विचार को कहते हैं क्रिया के रूप में उन्होंने जगत को देखा। मीमांसा की पूरी व्याख्या जो कर्म परक है कि कर्मों जो है उन कर्म ही सब कुछ है, उस कर्म के आधार पर यानी क्रिया के आधार पर सब कुछ करते हैं और क्रिया के आधार पर जो हम करते हैं। तीसरी जो दृष्टि है वेदांत की दृष्टि, या तो वो दृष्टि जो है वो ज्ञान को ब्रह्म के लक्षण के रूप में लेती है। सच्चिदानंद वो कहती है कि ज्ञान जो वो ब्रह्म का लक्षण है और वो एक ही है और वो सब में है, तो ये ज्ञान कैसा है। वहाँ जो ज्ञान जो है वो भौतिक ज्ञान नहीं रहा, वो एक तरह से भौतिक ज्ञान भी नहीं रहा और वो क्रिया भी नहीं रही, और उसको उन्होंने कह दिया कि वो तो सब कुछ है, वो सर्वम खलु मिदम ब्रह्म है, यानी सब कुछ है। तो ये तीन तरह की दृष्टि हमारे सामने आती है। अब जो तीन दृष्टियां आई ज्ञान का, जो हम गुण पक्ष देखते हैं कि ज्ञान अगर गुण है तो ज्ञान गुण है। न्याय दर्शन इसको मुख्यतः न्याय दर्शन इसको प्रतिपादित किया। इन दोनों भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में भेद कहाँ हुआ? भेद ये हुआ कि पश्चिम का दर्शन गणित मूलक है, गणित में दो उत्तर नहीं होते हैं, वहां तो दो दो चार ही होते हैं, कोई कहीं भी चला जाए दो दो चार ही होते हैं। तो जो परंपरा अरस्तु ने शुरू की विज्ञान दर्शन की, वहां हाँ या ना ही होती है, वहां और कुछ नहीं होता उत्तर, हाँ या ना में। तो ये हाँ और ना केवल सामान्य चीज जगह हो जाते हैं, सामान्य ज्ञान में हाँ या ना होता है कि या तो आग गर्म है या ठंडी है, तो दोनों नहीं हो सकती। तो ऐसे उत्तर ही उन्हीं उत्तरों को सही मानते हैं कि यही वैज्ञानिक उत्तर है जिसका उत्तर हाँ और ना में दिया जाए। और जितने भी हमारे उपकरण हैं जैसे आप कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, ये इसी पर आधारित होते हैं। इसमें या तो बटन दबा दिया तो या तो इसमें ऑफ या ऑन दो ही होते हैं, तो इनमें ऑफ या ऑन दो ही होते हैं। इस तरह से उन्होंने ज्ञान को जो है उसको इस तरह से माना कि जो हमारा ज्ञान है वो उस ज्ञान में हाँ या ना दो ही होती है, और ये विज्ञान इसी पर टिका हुआ है कि जो सत्य ज्ञान या असत्य दो ही चीज़ होती है, कुछ और कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये ज्ञान की जो व्याख्या है वो एक तरह से जो सूचनात्मक ज्ञान है उसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर देती है। इसलिए हम विदेशियों का हम पूरा नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान के एक जो मुख्य सामान्य ज्ञान के बारे में उन्होंने बता दिया। अब वैसा ही न्याय दर्शन भी प्रमाणों के आधार पर बताना चाहता था कि ये प्रमाण है और उस प्रमाणों से हम ज्ञान का प्रमाणीकरण करते हैं। ज्ञान दो तरह का हो सकता है। जो आपका एक प्रश्न था कि भी ज्ञान जो है वो प्रमाणित हो, यथार्थ था एम्बिग्यूटी का प्रश्न था कि हमें दो दो अर्थ दिखते हैं, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो ज्ञान और अज्ञान दोनों होते हैं, और वो यथार्थ इंद्रियां से हम जो देखते हैं उसको देखने में हमारे से कुछ गलतियां हो जाती है, और हर ज्ञान को चेक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर ज्ञान को हम चेक करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी ज्ञान सही है नहीं है ये प्रमाणों से निश्चित होगा। तो प्रमाण शास्त्र का जो निर्माण हुआ, गौतम ने जो प्रमाण शास्त्र की बात की, तो उसमें इन सब प्रश्नों को सुलझाया कि हम प्रमाण करेंगे ज्ञान हमें होता है, और सही है गलत का निर्णय हम तब मानेंगे उस ज्ञान को उस वस्तु से मिलाएंगे। कि मैंने रस्सी देखी रस्सी है तो मेरा ज्ञान सही है, मैंने रस्सी देखी और सांप समझा तो मेरा ज्ञान गलत है। तो हम हर ज्ञान को चेक करेंगे और ज्ञान का भी ज्ञान करेंगे, इस तरह से उनका ज्ञान है क्या। तो ज्ञान उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो तीन क्षण रहने वाला धर्म है, त्रिक्षण स्थायी, आत्मा का विशेष गुण है। उस ज्ञान में आकार नहीं होता, वो ज्ञान निराकार है। तो उस ज्ञान में निराकार होने से ज्ञान का जो स्वरूप आया कि ज्ञान अनित्य है, ज्ञान हमेशा विषय वाला होता है, निर्विषय ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान जो है वो प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित होता है। इसलिए हर ज्ञान को प्रमाणित करते हैं, और ज्ञान में प्रमाण संपन्नों का सिद्धांत भी उन्होंने विशेष कर दिया कि एक ही ज्ञान को हम कई तरीके से जान सकते हैं। हम देख के भी जान सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, उसका अनुमान करके भी जान सकते हैं वो ऐसी चीज़ है, और हम उसको सुन करके भी जान सकते हैं। तो शब्द ज्ञान की भी बात यहाँ आई। ये जो शब्द ज्ञान की जो बात है, ये दर्शन जो भारतीय दर्शन है इसमें शब्द की बड़ी भूमिका रही, भाषा की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि भारतीय दर्शन का जो मूल है वो मैं ये समझता हूँ व्याकरण दर्शन रहा। और उन्होंने ये माना है कि ज्ञान को शब्द के अलावा कोई प्रकट नहीं कर सकता। भर्तृहरि ने दावा किया, न सोस्ति प्रत्योलोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुबिद्धमिवम ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, कि कोई भी ज्ञान हो दुनिया का उस ज्ञान को सोचने का समझने का प्रकट करने का अगर कोई तरीका है तो शब्द है। वो कहते हैं कि न सोचती प्रत्योलोके, ऐसा कोई ज्ञान दुनिया में है ही नहीं जो शब्दों से प्रकट नहीं किया जा सकता। तो अनुबिद्धमिवम ज्ञानम, ज्ञान और शब्द जो आपस में ऐसे मिले हुए इनको अलग करना कैसे संभव हो सकता है? तो सर्वम शब्देन भासते, कि ज्ञान से ज्ञान को हम शब्दों के द्वारा ही कह सकते हैं। मेरे अंदर जो ज्ञान है वो मैं शब्दों के द्वारा प्रकट करूंगा, आपके अंदर ज्ञान है वो भी शब्दों के द्वारा प्रकट करूंगा, आपका ज्ञान मेरे शब्दों से मिलेगा, उन शब्दों को मैं अर्थ समझूंगा तो मैं इस ज्ञान को ग्रहण कर लूंगा। तो ज्ञान को जो प्रकट करने वाला वो शब्द है, तो शब्द की बड़ी भूमिका रही। और उन्होंने यह मान लिया कि भाई शब्द जो है
यानी भाषा को हमें भाषा के आधार पर ज्ञान को समझना पड़ेगा कि भाषा क्या है। और यहाँ जो श्रोत दार्शनिक जो थे जो श्रुति को प्रमाण मानते थे, तो उन दार्शनिकों ने कहा कि श्रुति में जो लिखा उसको ज्ञान मानो आप, उस ज्ञान को मत मानो जो इंद्रियों से देख रहे हैं। इंद्रियों से हमने जो देखा है वो ज्ञान गलत भी हो सकता है, इंद्रियों का ज्ञान जो है वो ज्यादा प्रमाणिक नहीं है, हमें जो श्रुति कहती है उस ज्ञान को प्रमाणिक मानना चाहिए। और श्रुति से हम क्या ज्ञान करते हैं, वेदों से हम क्या जानेंगे, वेद पढ़ के हम क्या जानेंगे, तो वेदों से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान और जो हम आंखों से खुद देखते हैं उस ज्ञान में अंतर है। ये जो ज्ञान है जो आंखों से देख रहे हैं ये हमें संसार का ज्ञान हो रहा है, पर जो संसार में जो चीजें दिख नहीं रही है और हैं भी नहीं भी ये भी पता नहीं, जैसे अब आत्मा है या नहीं है, तो ज्ञान के सामने भी प्रश्न आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, ब्रह्म है या नहीं है, तो जो चीज दिख नहीं रही है उसका ज्ञान हमें कैसे होगा। तो उनका ज्ञान हम शब्दों से करते हैं कि शब्दों से जो शब्द में ये ताकत है कि जो नहीं दिखता उसका भी ज्ञान शब्द करा देते हैं। हमने शब्द बना दिए आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म भूत प्रेत पिशाच, ये सब देखे तो कभी नहीं किसी ने, स्वर्ग नरक, पर हम इनका ज्ञान भी शब्दों के द्वारा होता है। तो शब्द में ज्यादा शक्ति है, शब्द ज्ञान को परिभाषित कर सकता है, पर शब्द भी जहां जाके अटक जाता है। ब्रह्म ज्ञान में शब्द को भी मान लेते हैं कि शब्द जो है वो भी उस ब्रह्म ज्ञान को स्पष्ट नहीं कर पाता है, कि शब्द भी जाकर के हमारे पास सबसे बड़ा हथियार शब्द था, शब्द शास्त्र था, पर वो शब्द भी जाकर के अटक जाता है। भागवत में कहते हैं, भागवत में गजेंद्र मोक्ष में कहते हैं कि वो जो परब्रह्म है उसका व्याख्या कैसे करोगे, जो परम सत्ता है जो हमारे अंदर आपके अंदर है, हम एक वृक्ष के पत्ते हैं, जिस वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं ऐसे हम ब्रह्म के अंश हैं, हर पत्ता अलग अलग है, पर हमारी जो चेतना है वो चेतना जो है जिसको हम कहेंगे ज्ञान है उस परब्रह्म का ज्ञान है। तो है क्या चीज, वो परब्रह्म क्या है, तो कहते हैं उसके लिए वो कहते हैं न सवै न देवा असुरम इत्यतिरिय, कि वो ब्रह्म जो है वो देव नहीं है, वो असुर नहीं है, वो मनुष्य भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, तो वो क्या है, सवे न देवा असुर मित्य तिर्य स्त्री न संढो न पुमान जंतु, वो स्त्री भी नहीं है, वो पुरुष भी नहीं है और वो जंतु भी नहीं है, तो है क्या वो, तो क्या गुण कर्म क्या है वो, तो कहता है वो गुण भी नहीं है और उसे कर्म के अंदर भी नहीं डाल सकते, वो गुण कर्म भी नहीं है और वो सत भी नहीं है और वो असत भी नहीं है। तो फिर हम इसकी व्याख्या कैसे करें कि ब्रह्म है क्या, तो क्या जितने भी दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो सब ब्रह्म का लक्षण है, क्योंकि वो ब्रह्म से ही ब्रह्म का ही रूप है, इसलिए दुनिया की हर चीज ब्रह्म है। और दुनिया में जो चीज नहीं है, दुनिया में जो चीज उपलब्ध नहीं है वो सब भी ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य भी है और असत्य भी है ब्रह्म। तो वो कहते हैं कि जो ब्रह्म का हम लक्षण करेंगे तो जितने भी दुनिया के ग्रंथ लिखे गए ब्रह्म को समझाने के लिए वो पर्याप्त नहीं होते हैं, और ब्रह्म को हम निषेध लक्षण से करें कि ये नहीं ये नहीं, उसमें गुण नहीं है, उसमें आकार नहीं है, उसमें रूप नहीं है, उसमें ये नहीं है ये नहीं, तो हम सब चीज मना कर जाएं, समूची चीज मना करने के बाद भी ब्रह्म का जो लक्षण है वो अशेष रहता है। वो कहते हैं निषेध शेषो जयिताद शेष है, कि हमने सभी चीजें बता दी ब्रह्म में, हमने कहा ये सभी चीज नहीं है तो भी ब्रह्म का लक्षण पूर्ण नहीं हुआ, आज तक किसी से पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्म का जो ज्ञान है वो ज्ञान एक अलग तरह का ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। उस ज्ञान को और ये जो भौतिक ज्ञान है इन दोनों के अंदर हमें भेद दिखता है कि हमारा जो दर्शन था मूल वो आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित था, इसलिए हमने श्रुति को प्रमाण मान लिया। अधिकतर लोगों ने श्रुति प्रमाण मानी या जिसने भी शब्द को प्रमाण माना, और शब्दों के द्वारा हम ज्ञान का एक जो रूप उसको हम प्रकट करने लगे कि श्रुति के द्वारा हमने ज्ञान को समझा। तो ये जो प्रमाण था इसमें ये हुआ कि अब निष्कर्ष ये हुआ कि एक ज्ञान तो हमें ये कहता कि सब कुछ ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, कि सब कुछ ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो वही ब्रह्म का लक्षण किया गया कि ब्रह्म में सच्चित आनंद है और वो सब कुछ ब्रह्म है। तो एक तो ज्ञान का लक्षण ये हो गया कि वो ज्ञान सब कुछ है, एक लक्षण जो न्याय दर्शन का था कि ज्ञान प्रत्येक आत्मा का गुण का धर्म है और उसमें प्रत्येक गुण है और उस गुण के अनुसार वो जो कुछ देखता है प्रत्यक्ष के द्वारा उसके ज्ञान होता है, कुछ अनुमान से ज्ञान होता है, कुछ में उपमान से या शब्द से या अर्थापत्ति आदि इनसे प्रमाण होता है। तो ये दो तरह की हमें ज्ञान की जो परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, इन दोनों परिभाषाओं में और दोनों स्वरूप में भेद दिख रहा है कि इन दोनों में भेद है। और भाषा जो है भाषा के क्षेत्र में हम ज्ञान को देखेंगे तो वहाँ जो ज्ञान है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले शब्द बना, ऐसा वेद कहते हैं कि सबसे पहले शब्द बना, शब्द के बाद में उसका अर्थ बना, पदार्थ पद और पदार्थ, तो पद का पदार्थ ही पदार्थ जो संपूर्ण जगत एक पदार्थ है और इसमें जितने भी पदार्थ हैं वो सब पद से बने हैं, तो पद को हमने मूल माना कि शब्द जो है
इसलिए कहा कि ब्रह्म क्या जब लक्षण करते हैं उपनिषदों में, तो कहते हैं दो ब्रह्म हैं, एक शब्द ब्रह्म एक परब्रह्म। तो ब्रह्म दो हुए, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। तो शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ब्रह्मणे निष्णात है परम ब्रह्मादि गच्छति, कि शब्द ब्रह्म को आप जान लेंगे तो आप परब्रह्म को भी जान लेंगे। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि हमें उन चीजों की ओर ले जा रही है कि जो चीज हमने देखी नहीं। इसलिए अब ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म आप में है, मेरे में है, नहीं है, आत्मा है या नहीं है, इनको हम सिद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमाणु से सिद्ध होने वाली चीज नहीं है। इसलिए उन्होंने, वेदांत ने कहा कि हम परमाणु की बात ही नहीं करते, हमारे यहाँ परमाणु कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हम तो परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम ज्ञाता की बात कर रहे हैं। ज्ञाता क्या है? ज्ञाता चाहे तो परमाणु माने या नहीं माने। जो एक मूल प्रश्न था जो आपने रखा कि भाई मैं क्या मान रहा हूँ, ये मेरे लिए प्रश्न है। मैं दुनिया क्या है? दुनिया में तो रस्सी या सांप होते रहेंगे, उससे मैं क्या मतलब है? मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जब उसको सांप समझ रहा हूँ तो सांप है, और जब मैं रस्सी समझ रहा हूँ रस्सी है। मान लीजिए रस्सी में कभी सांप नहीं हुआ, रस्सी में कभी सांप नहीं हुआ, न होगा और न था, पर मैंने जब उसको रस्सी को सांप समझा तो सांप कहाँ से आया? तो कहता है वो मुझे तो सांप ही दिखा है, और उसमें वो सांप ही था। बाद में मेरा जब निर्णय हुआ तो मेरा ज्ञान बाधित मेरा हुआ, जो कुछ हो रहा मेरे अंदर हो रहा, बाहर थोड़ी हो रहा, बाहर की दुनिया क्या, उससे में कोई लेन देन नहीं है। हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी हमारा ज्ञान है वो अंदर है, उस ज्ञान से हम निर्णय करते हैं कि हमारा बाध, हमारा ज्ञान बाधित कब होता है और निर्बाध कब होता है। जब ब्रह्म का ज्ञान अबाधित ज्ञान है, वो ज्ञान या अहम अस्मी जो ज्ञान है वो कभी भी बाधित नहीं होगा कि मैं हूँ, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। बाकी सब चीज गलत हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी भाषण दे रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पर कुछ देर बाद मैं श्रोता भी बन जाऊंगा, तो वक्ता होना मेरा प्रमाणित नहीं है, पर मेरा होना हमेशा रहेगा। तो कहते अहम अस्मी जो है ये ज्ञान हमेशा ही रहता है, इसलिए मैं हूँ ये तो मैं हमेशा ही रहूंगा। मैं ग्राहक भी बनता हूँ, मैं डॉक्टर भी बनता हूँ, मैं कभी मरीज भी बनता हूँ, मैं जितने रूप धारण करूँ, पर वो सब बदल सकते हैं। जो बदलते हैं उसे हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उसे पारमार्थिक ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के तीन भेद आचार्य शंकर करते हैं, कि एक प्रतिभाषी ज्ञान है जो हमें बुद्धि से प्राप्त होता है, जिसका हमें ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा। एक ज्ञान जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो होता भी है और बाधित भी होता है, दिखता भी है और बाधित हो जाता है। तीसरा अबाधित ज्ञान जो है, जो कभी बदलता नहीं है, उसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वही असली ज्ञान है। तो ज्ञान के जो तीन उन्होंने भेद किए कि सत्ताएं तीन तरह की होती है, जगत तीन तरह का है, और इस जगत में तीन तरह के जगत में जो पारमार्थिक जगत का जो ज्ञान है वो अबाधित ज्ञान है, और वो हमेशा त्रिकालाबाधित रहता है। तो वो ज्ञान जो है वो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उसे ही जानना चाहिए। उसको जानने के बाद कुछ जानने के लिए नहीं बचता है। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंच वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि सबके हृदय में मैं हूँ, सबके अंदर विचार चल रहे हैं, हर जीव में एक विचार चलता है, वो है कौन? तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर फैला हुआ हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। और मेरे को समझो, कैसे समझोगे? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मेरे कारण तो आप मत्त स्मृति ज्ञान विमोहन, मेरे कारण तो आपको याद होता है, मेरे कारण आपको स्मृति होती है। मत्त माने मेरे द्वारा, मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म के रूप में भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि मैं, मेरे द्वारा ही आपके अंदर स्मृति होती है। तो ज्ञान के दो भेद किए, स्मृति और अनुभव। भारतीय दर्शन में दो भेद माने गए। जो स्मृतियां जो है वो मैं ही कराता हूँ सबको, कि सबको जो याद आ रहा है, तो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंत, मैं ही ज्ञान पैदा करता हूँ और मैं इस ज्ञान को गायब कर देता हूँ, अपोहन भी मैं ही कर देता हूँ। इसलिए उस मेरे को जानना है, तो उसको कैसे जानोगे? तो क्या वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्य, सभी वेदों से आप मेरे को जानिए। और यही वेदांत और वेदांत कृतियों का निर्णय है, कि वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदांत हूँ, और अब मैं, मेरे को समझना जो सबसे कठिन है वो ब्रह्म को समझना कठिन है। वो जो ज्ञान है वो पारमार्थिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, प्रातिभाषिक ज्ञान। इस तरह से सभी दर्शनों में ज्ञान के बहुत से भेद किए, और मैं संक्षिप्त रूप में आपके पास मेरी बात रख दिए। फिर भी आपको जो शंका है, जिज्ञासा, या जो आपकी टिप्पणियां, मैं सुनूंगा और आगे मैं बोल सकूंगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत आभार। मैं ये सोचता हूँ कि कई बार कि हम शब्दों में आभार और धन्यवाद कह तो देते हैं, लेकिन वस्तुतः उसके कितने गहरे अर्थ होते हैं, ये हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे मैं अभिव्यक्त करूँ इन बातों को? क्योंकि आप लोगों को सुनना, आप और आप जैसे जितने भी विद्वान हैं, उनको सुनने का तात्पर्य तो यही होता है कि जैसे जलते हुए कोले के ऊपर धीरे धीरे राख पड़ जाती है, और आप लोगों आकर के फूंक मार के अपने विद्वत्ता की फूंक से उस राख को उड़ाते हैं,
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। नहीं तो जिस तरह के हम लोगों के व्यवहार हैं और जिस तरह के दैनंदिन परिचर्याएं रहती हैं, तो उसमें वो ज्ञान के ऊपर तो इतना कुछ पड़ जाता है, धूल इतनी पड़ जाती है कि आप जैसे विद्वान अगर अपने ज्ञान से उसको ना दूर करें तो मुझे लगता है कि भी परिमार्जन ना करें तो हम तो पता ही नहीं लगेगा। और इतने संक्षेप में कैप्सूल फॉर्म में जितना आपने पाश्चात्य ज्ञान की अवधारणा को और भारतीय दर्शन में ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया और सूत्र रूप में सारा कुछ आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो वाकई उसके लिए तो जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। लेकिन वस्तुतः इसकी अपेक्षा थी। मुझे ये स्वीकार करते हुए अच्छा लगता है कि आप जैसे विद्वानों के माध्यम से हमें बार बार ये ध्यान रहता है कि वस्तुतः कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितने व्यापक विषय हैं, और हम केवल किनारे पे बैठकर ही अपना काम चला लेते हैं। तो मैंने शुरू में जो बात कही थी कि आप विद्वानों का हाथ पकड़ने का मतलब ही ये है कि हमें तैरना भी आए, केवल हम अखाड़े के पहलवान बन के ना रह जाएं जो अखाड़े के बाहर घूमता रहता है और वो बोलता रहता है, ज्ञान के अखाड़े में उतरना जो है वो आप लोगों उसमें सहायक हैं। इस बात के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी को, और उनको आमंत्रित करते हुए मैं एक छोटी सी घटना आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार मैं प्रोफेसर अविनाश जी के बरसात के दिनों में घर गया, तो अंदर प्रवेश जब मैंने किया तो अपना छाता चप्पल वगैरह बाहर, जैसे परंपरा है ही है बिहार में, गुजरात और जितने भी ट्रेडिशनल शहर हैं। लेकिन जब मैं अंदर गया और डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे छेड़ते हुए पूछ लिया, क्योंकि प्रश्न अक्सर मैं करता हूँ, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझसे प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम जो छाता बाहर रख कर आए हो, अपनी चप्पलियां, अपनी जो चप्पल हैं, तुमने छाते के दाएं ओर रखे हैं या बाएं ओर? और तब से मैं वो प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये स्मरण नहीं था कि भाई मैंने छाते के बाएं ओर चप्पल रखी है या दाएं ओर। अब ये बात देखने में घटना बड़ी मामूली सी है और प्रश्न भी शायद आप लोगों को लगे कि ये तो कुछ प्रश्न नहीं, लेकिन ये ज्ञान के उस पक्ष को बताता है कि सावधानी कहाँ चूक होगी, सावधानी में कहाँ चूक होगी, ज्ञान में चूक कहाँ होगी। और ये चूक हम अक्सर अपने ज्ञान में कर जाते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। तो भ्रम और ज्ञान में कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर, बहुत बारीक होता है। तो इसलिए इस घटना के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी को कि वो हमारे साथ चर्चा करें कि वस्तु अर्थ और जो बुद्धि अर्थ है इनमें क्या अंतर है, और वस्तु अर्थ और बुद्धि अर्थ इन दोनों के जो विषय हैं उनको हम किस रूप में कैसे समझें। क्योंकि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो आत्मा का गुण बताया है ज्ञान को, और दूसरी तरफ ज्ञानम तो मानसिक क्रिया भी उन्होंने बता दिया, तो बहुत सारे पक्ष उन्होंने हमारे साथ साझे किए हैं। तो उस क्षेत्र में हमें और अग्रसर करें, हमें और आगे ले चलें, तो उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी से। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है जी। जी सर। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आशुतोष अंगीरस जी, और एक सुखद आश्चर्य है हमारी बड़ी दीदी गीता मेहता जी भी आज जुड़ी हुई है। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए, गीता मेहता जी को प्रणाम करते हुए, और समस्त सहभागी प्रतिभागी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सादर निवेदन प्रणाम करते हुए मैं अपने वार्ता को आरंभ करता हूँ। प्रारंभ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने पूर्ववर्ती वक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का। इन्होंने बड़े सम्यक ढंग से समस्त चीज़ों को उपस्थापित करने का जो प्रयास किया है वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ज्ञान के विषय में जो सामान्य बातें की जा रही है वो मूलतः लोग सुकरात और पाश्चात्य दर्शन से ही देख जोड़ने का प्रयास करते हैं, और वहाँ से ज्ञान
को जो नॉलेज की संज्ञा दी गई है और भारतवर्ष में जो ज्ञान है इसको उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है और दोनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वर्चुअल नॉलेज से लेकर के जो उन्होंने अभी तक की जो है बुद्धिवाद, अनुभववाद और समीक्षावाद तक की यात्रा उन्होंने कराई हमें, वो बड़ा आनंददायक रहा। और एक विनम्र निवेदन है कि मैं अपने पूर्ववर्ती वक्ता के जो कथन हैं वो अपने आख्यान में उनके कुछ तंतुओं का अगर मैं प्रयोग कर लेता हूँ तो ये धृष्टता के लिए तो मुझे क्षमा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान है क्या, और पाश्चात्य दर्शन में जैसा कि उन्होंने बताया कि ज्ञान को वहां नॉलेज की संज्ञा दी गई और भारतवर्ष में उसे ज्ञान या प्रमा की संज्ञा दी गई। ज्ञान और प्रमा में एक सबसे बड़ी समानता है कि ज्ञान का तात्पर्य, नॉलेज का तात्पर्य उस विश्वास से है जो उस काल तक हमारे साथ रहती है और उसे हम सत्य मानते रहते हैं, और जो ही विश्वास वह हट जाता है तो ही वह ज्ञान नहीं रह करके वह मिथ्या ज्ञान में परिणत हो जाता है। और भारतवर्ष में भी तकरीबन यही स्थिति ज्ञान की है, क्योंकि ज्ञान में एक सत्यता को हम मान लेते हैं और सत्यता वह है जो तब तक सत्य है जब तक वह खंडित न हो। तो सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य उस वृत्ति से है, उस अनुभूति से है, उस अवबोध से है जो अखंडित है, जिसे हम सत्य मानते हैं। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो भारतवर्ष में इसे प्रमा की भी संज्ञा दी गई है, और प्रमा का अर्थ क्या है कि इसके दो गुण हैं, ज्ञान के दो गुण हैं, दो लक्षण हैं। पहला है सत्यता और दूसरा है नवीनता। इट हैज टू क्वालिटी, एक है यह सत्य होना चाहिए और दूसरा है यह नवीन होना चाहिए। और इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है यथार्थत्व और दूसरा है अबाधित्व। सबसे पहले हम सत्यता को देखते हैं, यथार्थत्व को देखते हैं। यथार्थत्व को प्रायः समस्त भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान के विभेदक गुण के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जब तक उसमें यथार्थत्व नहीं होगा, जब तक उसमें सत्यता नहीं होगी, तब तक वह ज्ञान की यानी प्रमा की श्रेणी में प्रविष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए सत्यता उसकी पहली पूर्व मान्यता है कि ज्ञान को सत्य होना चाहिए, और तकरीबन यही बात हमारे पाश्चात्य दर्शन में भी दृष्टिगत होता है। अभी शर्मा जी ने इस बात को जो है स्पष्ट किया है। और दूसरा है अनाधिगतत्व, यानी वह हमें पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि सत्यता की क्या स्थिति है हमारे भारतीय दर्शन में, अर्थात ज्ञान की क्या स्थिति है। क्योंकि मैं अंगिरस जी के द्वारा तैयार किया हुआ चार्ट देख रहा था तो मुझे अपने पूरे ये भाषण क्रम को बदलने की आवश्यकता पड़ गई। तो अब उसके अनुकूल देखना है कि सत्यता है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी कि मैं यह जानता हूं, वो बोलता है कि मैं यह जानता हूं, और दोनों के जानने में अंतर क्या है। इन सारे प्रश्नों को तो संबोधित करना भी हमारा दायित्व बन जाता है। और इस कारण ही सत्यता के संबंध में भारतीय दर्शन में चार प्रकार के विचार दृष्टिगत हैं। अब पहला विचार हम बौद्धों से आरंभ करेंगे, और वह है जो बौद्ध दर्शन में जब हम जाते हैं तो अभी राजेंद्र प्रसाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि बौद्ध दर्शन में दोनों ने कहा था एक पारमार्थिक ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है।
पारमार्थिक ज्ञान ब्रह्म का होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात विशुद्धि मग में दृष्टिगत होती है। वहां शब्द का प्रयोग हुआ है प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान कैसे आता है इसमें ये सारी बातें आ जाएगी। उसमें कहा गया है कि ये इसकी तीन प्रक्रिया, सजाना थी, विजाना थी और पजाना थी। सजाना थी का अर्थ होता है हमें सामान्य ज्ञान है, आई नो दिस। विजाना थी उसके बारे में कुछ विशेष ज्ञान हमारे पास होता है, उसे मैं विजाना थी कहता हूं, उन्हें बुद्ध कहते हैं। और तीसरा है पजाना थी, यानी उसके बारे में मैं संपूर्ण ज्ञान रखता हूं। अब सजाना थी में स्थिति है कि सामान्य दृश्य वस्तुओं का जो बाह्य संज्ञा हमें प्राप्त हो रही है, रंग रूप इत्यादि का, वह सजाना थी। स्वाद के अनुसार कोई खट्टा है या तीखा है या मीठा है, यह सजाना थी है, हमारे संज्ञा में आया है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं। और यह ज्ञान मैं जानता हूँ, तुम जानते हो या सभी जानते हैं, हमारे अधिकतर ज्ञान इसी में आकर के संग्रहित हो जाता। दूसरा है विजाना थी, रूप रंग तो हम देख लिए, स्वाद भी से परिचित हो गए, लेकिन उसका विशेष लक्षण क्या है? और जब हम उसके विशेष लक्षण से परिचित होते हैं तो उसे कहते हैं विजाना थी, या से विया भी कहते हैं। और तीसरा है पजाना थी, यानी उसके संपूर्ण गुणों से जब हम परिचित हो जाते हैं तो उसको पजाना थी कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं भी स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक स्वर्ण का सिक्का रखा हुआ है, बहुत चमक रहा है, एक बालक आता है, उसके चमक से प्रभावित हो जाता है, उसको छूता है और विनोद की वस्तु समझ बैठता है। दूसरा एक कृषक आता है या व्यापारी आता है, वह भी स्वर्ण मुद्रा को देखता है और वो उसे विनिमय का माध्यम समझ लेता है, कह रहे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे हमें बहुत पैसे प्राप्त हो सकते हैं। और तीसरा व्यक्ति वो जौहरी है, जो उसके समस्त गुणों को जानता है और सम्यक रूप से इन सारी चीजों को समझता है कि इसका इसमें क्या क्या से तत्व हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये हो गया विजाना थी। अब संया विया और प्रज्ञा में ये अंतर है कि संया में यानी सजाना थी में हम वस्तु के सामान्य चीजों से परिचित होते हैं, वह भी ज्ञान है, उसके विशेष लक्षण से परिचित होते हैं, दूसरा ज्ञान है, और वह बुद्ध के अनुसार वह वस्तु नित्य है, अनित्य है, दुख कारक है और क्षणिक है, अनात्म है, इसका भी हमें जब ज्ञान होता है तो इसे कहते हैं हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये आ जाता है पजाना थी। तो बौद्ध दर्शन में ये स्थिति आती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्टेज, हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता चला जाता है, हमारे अवबोध का स्तर बढ़ता है, हम चीजों को सम्यक रूप से देखते हैं और तब वह वास्तविक ज्ञान होता है। और जब हम उसको एक व्यवहारिक दृष्टि से, अभी जो हमारे शर्मा जी कह रहे थे, तो लौकिक ज्ञान होता है, और लौकिक ज्ञान के नीचे जो ज्ञान होता है, ज्ञान की अवस्था में बच्चे को हुआ कि वह कौतुक से उस सिक्के को देख रहा था, चमकदार स्वर्ण के सिक्के को, और समझ रहा था कि खेलने की बड़ी अच्छी वस्तु है, तो वो उसका अपना ज्ञान। तो ये डिफरेंस है, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के जानने का स्तर उसके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि वह सजानाती के स्टेज में है, विजानाती के स्टेज में है, या पजानाती। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो हो गया आरंभिक बौद्ध दर्शन की स्थिति, लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो बात मैंने कही कि इसमें एक चीज है, सत्य तीनों ही चीजों में पाया जा रहा है। स्वर्ण चमक भी रहा है, आकर्षक भी है,
यह एक सत्य है, यह विनिमय की वस्तु है यह भी सत्य है, और यह अनित्य है, अनात्म है और दुख युक्त है यह भी एक सत्य है। अब स्थिति है कि आप सत्य का तात्पर्य विभिन्न दर्शनों में ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम बुद्ध से आज आरंभ करते हैं तो बुद्ध कहते हैं, माने बौद्ध दार्शनिकों की यह मान्यता है कि सत्य वह है जो जिसमें अर्थ क्रिया कारित्व हो, जिससे हमें व्यावहारिक लाभ हो, जिससे हमें यह ज्ञान हो सके कि हम इस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत हमारा क्या, हमारी क्या स्थिति बनती है। और इसे कहते हैं जो हमारे प्रयोजन को सिद्ध करता है वह ज्ञान है, जो प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता है वह ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। और इसीलिए वह कहते हैं संवादी प्रवृत्तियानुकूल, जो चीज है वह हमारे प्रवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है तत्व चिंतामणि कहते हैं ततः अर्थ क्रिया समर्थ वस्तु प्रदर्शकम, संवादी प्रवृत्तियां अनुकूल जो हमारे अर्थ की सिद्धि करता हो, हमारे प्रवृत्ति के अनुकूल है वह जो है सत्य है। और अज्ञातार्थ को जो प्रकाशित करता है वह भी सत्य है, लेकिन वह सत्य जो हमारे अर्थ क्रियाकारित्व को, हमारे व्यवहारिक लाभ को प्रदर्शित करता है वह सत्य है। और इसीलिए दुर्वेक मिश्र और धर्मोत्तर ने बड़ी अच्छी बात कही है, अभिसंवादिकं प्रवृत्त्यानुकूलं वस्तु सम्यक ज्ञानम इति, अर्थात जो हमारी प्रवृत्ति विषय वस्तु का प्रपापक हो, अभिसंवादक हो, वही सम्यक ज्ञान है। और इस प्रकार ज्ञान वस्तु का प्रकाशक मात्र नहीं है बल्कि यह अभिसंवादक भी है, और दूसरा कि यह हमें कुछ व्यावहारिक लाभ भी प्रदान करने में समर्थ होता है। अब देखिए ज्ञान का दूसरा ये जो लक्षण है इसमें एक बात और है, बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान स्वलक्षण भी, क्योंकि अभी मैंने बताया बुद्ध के अनुसार सर्वम क्षणिकम, कोई परमार्थ सत्य नहीं है, वन मोमेंट इट इज, अदर मोमेंट इट इज नॉट। जब दूसरे क्षण में वह गायब हो जाता है और दूसरी संतति पैदा ले लेती है, देखने में वही लगती है लेकिन ज्ञान जो हमारा उससे डायरेक्ट यानी अभिसंवादक है, जो उसे हम देखते हैं वही ज्ञान है। और दूसरे क्षण का ज्ञान जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वह दूसरा ज्ञान है, क्योंकि उसमें नवीनता है, तुरंत उसे हम पकड़ लेते हैं, और दूसरा उसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य। और इस कारण ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अर्थ क्रिया यत तद्र परमार्थ सत्य अन्यत्र संवृत्ति सत्य, जो हमारी अर्थ क्रिया सामर्थ्य ज्ञान है अनुभव है वही परमार्थ सत्य है, बाकी लोक व्यवहार के लिए है। इसीलिए उनका जो पहला है कि इट मस्ट बी प्रैक्टिकल इन फॉर अस, ये प्रैग्मेटिक अनुभव होना चाहिए, और पाश्चात्य दर्शन में इसे प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज की संज्ञा। दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन अभी तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने उस पर बड़ा व्यापक प्रकाश दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी अर्थ क्रिया सामर्थ्य की बात कर गई है कि जो वस्तु हमें प्रदर्शित हो रहा है वह अर्थ क्रिया है या नहीं, वही जो है तत्व चिंतामणि में माना गया है। लेकिन न्याय दर्शन की स्थिति दूसरी, उसने ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है यत्र
यद अस्ति तत्र तस्यानुभवो प्रमा तदभवति तत्प्रकारको वा। चीजें जैसी हैं ठीक उसी प्रकार हमें ज्ञान होना प्रमा है, और जिस प्रकार हम उसे देख रहे हैं उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अगर वह बातें आती हैं तो वह प्रमा है। और इसी दृष्टि से यहाँ पर थिंग एज इट इज, जिसको कि कांट ने न्यूमेना कहा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने अभी बताया, और तो थिंग एज इट इज को उन्होंने प्रमा की संज्ञा दी है। और कहा गया है यत्र यद अस्ति, जो चीज जहां पर है, तत्र तस्यानुभवो प्रमा, उसका उसी प्रकार का अनुभव होना प्रमा है। तद्भवति तत्प्रकार का अनुभवो वा, चीजें जैसी है अगर हमें उसी प्रकार का अनुभव हो रहा है उसे हम प्रमा की संज्ञा में देते हैं। तत्व का तत्व कौमुदी कहता है संवाद यते प्रमाण वार्तिक, तो संवाद यते होना चाहिए, उसमें जो है हमारा जो है जो चीजें जैसी है माने जो मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि मैं अभी वेबिनार में हूँ और सचमुच अगर वेबिनार में हूँ तो ये प्रमा है, यह ज्ञान है, अदरवाइज यह प्रमा नहीं। और तीसरा प्रकार का जो सत्य का दूसरा जो पक्ष आ जाता है, तीसरा पक्ष आ जाता है, वह कहता है कि सत्य वह है जो ये वस्तुतः अद्वैतवाद का है, और ये कहता है कि जो हमारे अंदर जितने प्रकार के भाव आ रहे हैं, जितनी प्रकार की चीजें हैं, उनमें अगर यह हार्मोनी स्थापित कर रहा हो तो उसे हम सत्य कहते हैं। बड़े अच्छे ढंग से इसे बताया गया है कि अगर हम कहते हैं कि अग्नि में दाहकता है तो ये सत्य है, अगर मैं कहता हूँ पानी में प्यास बुझाने की शक्ति है तो यह सत्य है, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती और हमारे सामान्य व्यवहार के अनुकूल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अग्नि से अपने खेत को सींच रहा हूँ तो यह एक भ्रांत ज्ञान होगा, यह सत्य नहीं होगा, क्योंकि यह बाह्य विश्व के साथ सहयोग नहीं कर रहा है हमारा अनुभव। अगर मैं कहता हूँ मैं पानी से घर को जला रहा हूँ, यह हमारा अनुभव के साथ इसका सामंजस्य नहीं बैठता है, अतः यह सत्य नहीं है। और तीसरी बात यह, चौथी बात यह है, जो चौथा गुण है, वह गुण कहता है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए, अर्थात उसमें अनाधिगतत्व होना चाहिए। कोई भी चीज सत्य तब तक है जब हम उसे पहली पहली बार देखते हैं, लेकिन जब हम दूसरी बार देखते हैं तो वह सत्य में प्रमा नहीं रह जाता है। और प्रमा नहीं रहने का कारण एकमात्र यही है कि वह हमें पूर्व प्राप्त हो चुका है, अतः वह ज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो सकता, वह एक सूचना है, क्योंकि ज्ञान तो हमें पहले से प्राप्त हो चुका है, वह अधिगत हो चुका है, और उसमें जो है अनाधिगतत्व है। और इस प्रकार अनाधिगतत्व के साथ अबाधित्व एक और लक्षण उसमें जुड़ जाता है कि जो ज्ञान है उसे खंडित नहीं होना चाहिए। जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि नॉलेज और ज्ञान शब्द में बिल्कुल समानता है, क्योंकि नॉलेज का अर्थ होता है वह अवबोध जो खंडित ना हो, और जिस क्षण वह खंडित हो जाता है तो हमारा अवबोध ज्ञान की श्रेणी में नहीं रह करके अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। और इस प्रकार ज्ञान की यही स्थिति हम इस पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। अब प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यहाँ पर ये चार प्रकार के जो सत्य के लक्षण हैं और इसके आधार पर जो हमने ज्ञान की परिकल्पना की है, क्या ये चारों सही है? और इस दृष्टि से जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं
कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके बारे में, बौद्ध मत के बारे में जो अर्थ क्रियाकारित्व की बात करते हैं। तो वेदांतियों का कहना है कि ये जो अर्थ क्रियाकारित्व है वह सत्य का लक्षण नहीं हो सकता। या सही है कि कभी मणि प्रभा के कारण हम मणि की प्राप्ति हो जाती है, दीप प्रभा के कारण हम दीप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसका प्रतिकूल भी होता है। और बड़ी बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि एक बार कुछ चोर को पता चलता है कि यह व्यक्ति अपने घर में ढेर सारे स्वर्ण भूषण लाया है, इसकी बच्ची की शादी होनी है, और वो चोरी करने के लिए घर में प्रविष्ट हो जाता है। वहां जाने के बाद सारे आलमीरा को, सारे रखने की जगह को वो छान मारता है, उसे नहीं मिलती है, और हताश होकर के लौट आता है, या सोचते हुए कि लगता है वो आभूषण दुकान में ही तो छोड़कर नहीं आ गया। जब वो लौटता है तो उसकी दृष्टि एक आईने पर पड़ती है और आईने में वो स्वर्ण भूषण दृष्टिगत होता है, वह जाता है, उसे स्वर्ण भूषण की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आईने में पड़ी हुई स्वर्ण भूषण की छवि कदापि प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि हमें उससे लाभ तो अवश्य हो गया व्यवहारिक जीवन में, लेकिन यह लाभ हमें प्रमा के रूप में प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि स्वर्णाभूषण की आकृति, उसकी छवि स्वर्णाभूषण नहीं है, मणि प्रभा मणि नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मृग तृष्णा में, रेगिस्तान में हम दूर तक दौड़ते रह जाते हैं, जलाशय खोजते हुए दिखाई देता है लेकिन वो नहीं मिलता है। इसीलिए वह अर्थ क्रियाकारित्व सत्य का लक्षण, प्रमा का लक्षण कदापि नहीं हो सकता। अब दूसरी ओर देखते हैं और वहां हम देखते हैं तद्भवति तत्प्रकार को अनुभवो वा प्रमा, क्या यह प्रमा का लक्षण हो सकता है? यह प्रमा का लक्षण तब तक है जब तक वह हमारा ज्ञान खंडित नहीं हो गया, और इस ज्ञान की पुष्टि तभी संभव है जब हम अतीत में जाकर, जब हम उसे देखें, वेरीफाई करें। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि सर्प और रस्सी का जो है भ्रम जो पैदा होता है, जब तक हम टॉर्च जला करके देखते नहीं हैं तब तक हमें यथार्थ का अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए जिस प्रकार मणि प्रभा यानी व्यवहारिकता भी खंडनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, उसी प्रकार न्याय मत भी अबाधित्व के कसौटी पर आकर के निष्फल हो जाता है। और वेदांति कहते हैं यह अबाधित्व ही एक आवश्यक लक्षण है। और तीसरा लक्षण है संवाद, जो हमारे अनुभव है विश्व के अन्य अनुभवों के साथ, अगर अपना संवाद रखते हैं, उसके अनुकूल हैं, कोहेरेंस रखते हैं, तभी सत्य है। ये वेदांति कहते हैं ये कोहेरेंस तभी तक है जब तक वह बाधित नहीं होता है। और अंत में वे इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रमा का जो मूल लक्षण है वह अबाधित्व है, और अबाधित्व होने के कारण जिसको जब तक वह खंडित नहीं हो तब तक वह माना नहीं जा सकता है, वह प्रमा की कोटि में प्रविष्ट नहीं हो सकता है अगर खंडित नहीं हो तो। और तब दूसरा लक्षण जो है नवीनता है, और नवीनता पर बड़ा मतभेद पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है, भारतीय ज्ञान मीमांसा में देखने को मिलता है। और लोग कहते हैं कि नवीनता को क्यों लक्षण माना है? अब अभी एक बड़ी अच्छी बात है, अभी मैं बड़े देर से इस वेबिनार को देख रहा हूँ, और वेबिनार को जो देखा है, दूसरी बार टेबल पर मैं बैठा हुआ हूँ, टेबल को बहुत देर से देख रहा हूँ, तो प्रथम क्षण में जो आया तो मुझे ज्ञान हुआ कि अच्छा इस कमरे में टेबल रखा हुआ है। जैसे अंगीरस जी ने कहा कि मैं उनके आवास पर गया तो चप्पल लेकर अंदर चला गया, छाता बाहर छोड़ दिया, तो पहले जो ज्ञान हुआ तो वो ठीक है, छाता आपने बाहर छोड़ दिया, ये तो पहले क्षण का ज्ञान है, चप्पल अंदर आ गया ये पहले क्षण का ज्ञान है,
लेकिन जितनी देर हमारे पास रहे और उन सारी चीजों को देखते रहे, तो क्या दूसरे क्षण, तीसरे क्षण, चौथे क्षण का ज्ञान यानी धारावाहिक ज्ञान प्रमा है या नहीं? ये एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न अबाधित्व के कारण उपस्थित हो जाता है, नूतनता के कारण उपस्थित हो जाता है, क्योंकि यह चीज दूसरी माने जो लक्षण है अनाधिगतत्व, क्योंकि तब तो प्रारंभ में तो अनाधिगतत्व है लेकिन बाद में अधिगत होने के बाद वो तो रिपीटेशन ऑफ द नॉलेज हो जाता है। तो क्या धारावाहिक ज्ञान प्रमा है, और दूसरा है क्या स्मृति प्रमा है? जो शब्द ज्ञान की बात कह रहे हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो क्या शब्द ज्ञान प्रमा है और दूसरा क्या धारावाहिक ज्ञान प्रमा है? इसके ऊपर बड़ा अच्छा विवाद हमारे भारतीय ज्ञान मीमांसकों में दृष्टिगत होता है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि क्या इसमें स्थिति है। अगर हम टेबल को पहले क्षण में किसी कमरे में पाया तो हमारे पास ज्ञान है, यहाँ पर ये तो टेबल है और ये एक नवीन ज्ञान है, लेकिन बहुत देर देखने के बाद यह ज्ञान के रूप में उपस्थापित नहीं रह सकता क्योंकि मैंने एक बार इसे अधिगत कर लिया है। यहाँ पर लोग कह सकते हैं, कह रहे भाई ज्ञान तो है, टेबल है, टेबल की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, और जब आकृति में परिवर्तन नहीं आया है तो सत्य है और प्रमा भी, और इसमें नवीनता नहीं है, इसके कारण इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके समर्थकों, नवीनता के समर्थकों यानी न्यायिकों अति वेदांतियों का कहना है कि नहीं, नवीनता तो आवश्यक है और धारावाहिक ज्ञान भी प्रमा है। इसका कारण यह है कि कोई भी वस्तु देश और काल में रहती, टेबल में दैशिक परिवर्तन तो नहीं होता है लेकिन काल में, ये टेबल में कालिक परिवर्तन यह होता है। 10:05 में मैंने अंगीरस जी का भाषण सुना और 10:18 तक वह कालिक परिवर्तन के कारण वो नूतनता उसमें बनी रह गई, और इसलिए तब तक के लिए वह धारावाहिक ज्ञान भी प्रमा है। इसलिए नूतनता का यानी अनाधिगतत्व का होना अत्यंत आवश्यक, ये स्थिति है। और दूसरा है कि स्मृति को क्या हम प्रमा कह सकते हैं? तो वेदांति कहते हैं कि स्मृति भी प्रमा नहीं है, क्योंकि स्मृति निर्भर करती है आप्तवचन के ऊपर, और वह व्यक्ति कितनी ईमानदारी से हमारे पास चीजों को ला रहा है वह हम नहीं जानते, कभी कुछ छूट सकता है या कुछ उसमें जुड़ सकता है। इसलिए बड़े अच्छी बात कहते हैं, प्रत्यक्ष में जो अनुभूति है, जो प्रमा है वह अनुभूति है, और जो अतीत का ज्ञान है वह स्मृति है, इसलिए स्मृति को प्रमा के अंतर्गत हम नहीं रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को धैर्यपूर्वक सब सुनने के लिए साधुवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल एक नया पक्ष आपने हमारे साथ साझा किया है और एक नई दृष्टि आपने हमें दी है कि बुद्धिज्म में किस तरह से सत्यता और नवीनता का तालमेल बैठता है, और जो प्रवाह नित्यता जिसे हम कहते हैं क्षणिकता में भी वो प्रमा, वो ज्ञान, वो प्रज्ञा कैसे बनी रहती है, तो उसका जो आपने एक सुंदर विश्लेषण हमारे साथ साझा किया है और हमें जो बात समझ में आई है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से ये एक दिन में समझ में आने वाले विषय नहीं है, बहुत व्यापक विषय है, लेकिन सचमुच आपकी विद्वत्ता का ये मैं समझता हूँ कि उसको आपने जिस सघन रूप में कैप्सूल फॉर्म में हमारे साथ प्रस्तुत आज किया है वो वस्तुतः बहुत श्लाघनीय है, वो बहुत प्रशंसा के योग्य है, और मैं तो आनंदित हूँ। बल्कि हालांकि ज्ञान से कहते हैं कि शुष्कता आती है, लेकिन आज सचमुच ज्ञान के विषय में इतना कुछ जान करके और इतनी व्यापकता और उसकी सूक्ष्मताओं को देख करके आज सचमुच आनंद हुआ। तो समय का आप लोगों ने ध्यान रखा है, और अब जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ शेष जुड़े हुए हैं वो उन
कोई टिप्पणी करना चाहे, कोई अपनी बात रखना चाहे, कोई प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं? नमस्कार जी। हाँ नरेंद्र जी, डॉक्टर सर अपना परिचय दे करके आप। मैं नरेंद्र, डॉक्टर वैसे दिल्ली से हैं। हाँ जी दिल्ली में हूँ, और वैसे मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान ऑनर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, और सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अभी दिल्ली में मैं विद्या भारती का काम देखता हूँ, दिल्ली प्रांत का। बहुत ही जो है आनंद में आज का विषय रहा डॉक्टर राजेंद्र जी ने रखा, आपने भी उसकी भूमिका में बहुत अच्छे से विषय को रखा, और अविनाश जी ने भी रखा। मुझे अपनी टिप्पणी और एक दो प्रश्न भी उसमें आप लास्ट में मैं रख लूंगा। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जो ज्ञान का पक्ष है उसमें जब तक भारतीय दर्शन को नहीं समझेंगे तो मुझे लग रहा है ज्ञान के पक्ष को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिन दिनों में मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय भी जो है मन और बुद्धि वाला विषय जो है वो अपने आप में बड़ा गहरा विषय। आज भी राजेंद्र जी ने बड़े अच्छे से बताया कि जो मन है वो संकल्प और विकल्प का विषय है, और बुद्धि विश्लेषण वो अर्थात निर्णय का कार्य जो है उसका है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन साथ में ही मुझे लग रहा है जो हमारी अष्टधा प्रकृति है जिसमें पंच महाभूत अपने और जो है मन बुद्धि और अहंकार, इसमें जो त्रिगुणात्मक जो सृष्टि का पक्ष है कि इसमें मन जो है वो उसका रजोगुणी उसका स्वभाव है, बुद्धि सतोगुणी है, और अहंकार जो है वो तमोगुणी है, इसको भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। उपनिषदों में भी बार बार ये जिक्र हुआ है, ये भी हमारे ध्यान में है। मुझे लग रहा है कि जो रस्सी वाला उदाहरण है, या मैं कई बार कहता हूँ कि किसी कमरे को अगर हम जाएं तो उसमें हम किस एंगल से उस चीज को देख रहे हैं और वो हमें बड़ा लग रहा है या कहाँ से वो छोटा लग रहा है, वो हमारे देखने का नजरिया है। इसलिए जो है स्वामी गीतानंद जी महाराज अम्बाला में कहते थे, आज से 30 साल पहले की बात मैं आपके स्पीच में रख रहा हूँ, कि भाई नजरे बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ज्ञान का जो एक तो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि संचित ज्ञान, जो जन्मजात ज्ञान है, जो पूर्व जन्म का संस्कार है, वो भी हमको जो है समझना चाहिए कि वो भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं। ऐसे जो है उदाहरण हमारे सामने है, श्रीमद् भगवद गीता में, महाभारत में तो इसके बहुत उदाहरण है, आज भी इसके उदाहरण मिलते हैं। कुछ प्रश्न है जो तर्क वितर्क और कुतर्क जो मतलब शब्द की बात आई, लेकिन वो शब्द जाल मुझे लग रहा है कई बार जो है वो भ्रम जाल भी बन जाता है, और वो शब्द जो है वहां पर हमें ध्यान रखना है कि प्रज्ञा और जो बुद्धि जो रितंभरा है शब्द, इसको भी हमको समझना है। और साथ में जो है मुझे लग रहा है कि जो तर्क वितर्क और कुतर्क की बात है वो एक उदाहरण हमें समझना चाहिए कि अंतमति सो गति, हमने सुना है कि भी अंतिम समय में जड़ भरत जी का जो है बुद्धि वो एक हिरण में चली गई, मृग में। तो ऐसे क्या प्रश्न मेरे सामने कई बार आए कि भाई जो भारत का सैनिक है वो अंत समय में तो पाकिस्तान के सैनिक का स्मरण कर रहा है, और पाकिस्तान का सैनिक जो भारत के सैनिक का स्मरण कर रहा है, तो जो वो अगला जन्म लेगा तो क्या अंतमति सुगति के हिसाब से? तो हमको वो समझना है कि बुद्धि के विवेक से वो सही क्या है और गलत क्या है। मुझे लग रहा है पश्चिम में तो बड़े लंबे समय तक जो है आत्मा जो है महिला में नहीं है, ये बात भी हमने सुनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मुझे लग रहा है कि समय कम है और विषय बड़ा गंभीर है और इस पे बार बार चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो संचित ज्ञान वाली बात है इसको भी हमें जोड़ना चाहिए। जी जरूर जरूर, बिल्कुल, आपने बहुत सारे और नए पक्ष नए आयाम इस ज्ञान की समस्याओं के खोल दिए हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस पे और भी चर्चा करने की अपेक्षा है। लेकिन उससे पूर्व हमारे साथ दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मैं निश्चित रूप से उनकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। डॉक्टर सदानंद जी उन्नीकृष्णन। सदानंद जी, आर यू लिसनिंग मी? डॉक्टर सदानंद लगता है नहीं हो। नहीं, ओके, ही इज नॉट। श्री साईनाथ शानभाग, he is from computer background but very committed to Sanskrit and knowledge, so I will request him to
शेयर हिज कमेंट्स और शेयर हिज एक्सपीरियंस अबाउट नॉलेज बिकॉज ही इज डीलिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड सर्टेनली इट्स ग्रेट प्लेयर टू शेयर विद यू दैट ही इज डेवलपिंग संस्कृत प्रोग्रामिंग थ्रू संस्कृत लैंग्वेज एज सच सो ही हैज क्वाइट अ गुड सक्सेस इन दैट इशू सो श्री साइना जी प्लीज नमस्ते आशुतोष जी नमस्कार मैं टिप्पणी तो नहीं करूँगा मैं सिर्फ इस बार ज्ञान का जितना हो सके आई विल ट्राई टू एसिमिलेट दैट तो मेरा एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर ज्ञान का एक डिस्कशन में आकार और उपादान के बारे में कहा है तो ज्ञान एक्चुअली आकार है और उपादान में हमें ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं देना चाहिए और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कल मुझसे किसी ने पूछा तो मुझे उसका उत्तर चाहिए अगर मैं दे सकूं तो इसलिए पूछ रहा हूं तो मान लीजिए कि हमारे पास 500 रुपये का दो नोट हैं एक असली है और एक नकली है तो अगर हम आकार की दृष्टि में देखते हैं तो दोनों का आकार एक है लेकिन उपादान में उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है काफ़ी थोड़ा फर्क रहता है तो व्यावहारिक दृष्टि से ये जो ज्ञान है कि ये असली है और ये नकली है ये यहाँ पर सिर्फ उपादान आकार से नहीं लेकिन उपादान के सूक्ष्म सूक्ष्मता से ही हमें जमीन आसमान का फर्क आता है तो क्या मेरा ये समझना कि आकार और उपादान क्या है इसमें क्या कोई गलती है तो इस पर थोड़ा सा आप जी तो दोनों विद्वान वक्ताओं से बहुत सटीक और संक्षिप्त सी टिप्पणी और बहुत रुचिकर प्रश्न है ये बड़ा व्यवहारिक भी है और रुचिकर भी है धन्यवाद इस प्रश्न के लिए जी धन्यवाद जी अविनाश जी अगर हाँ राजेंद्र जी सर राजेंद्र प्रसाद जी आपने संभाग जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया कि उपादान कारण और जो है कि आकार तो उपादान और में प्रश्न है कि जो ज्ञान है क्या वस्तुतः तो न्याय दर्शन से कहता है कि में वस्तु का ज्ञान होता है ज्ञान अपना नहीं होता है ज्ञान खुद नहीं है ज्ञान में एक आकार हमें भाषित होता है किसका जिस वस्तु का वो ज्ञान है हमने दो नोट देखे 500 के तो उन दोनों का ज्ञान हमारे अंदर भाषित हुआ अब वस्तु में भेद है ये दोनों वस्तु में भेद कैसा भी हो तो उस भेद को हम पकड़ लेते हैं कि उन दोनों में कोई ना कोई अंतर तो होगा ही उस अंतर के आधार पर उसको पहचान लेते हैं कि ये अंतर है तो वो जो अंतर है वो उस वस्तु में है और ज्ञान बिना वस्तु के नहीं होगा जैसे हमारे जो क्योंकि ज्ञान होता कहाँ है तो आत्मा के अंदर होता है आत्मा का विशेष गुण है ज्ञान आत्मा के अलावा कहीं होता ही नहीं है ज्ञान जो आत्मा का विशेष गुण है इच्छा भी हमें किसी वस्तु की होती है विषय की होती है तो निर्विषय ज्ञान कभी हुआ ही नहीं हमेशा ज्ञान किसी न किसी चीज़ का आकार ही होता है आकार ही है और वो आकार जो तीन क्षण रहता है त्रिक्षण स्थायी आत्मा का विशेष गुण है तो ज्ञान में जो है वो विषय भाषित होता है तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं ज्ञान एक तरह का आकार है और उस आकार में वस्तु विभाषित होती है ये जो निर्णय करना कि भाई इसमें क्या अंतर है दोनों में तो वो इसीलिए वो कहते हैं कि हर ज्ञान हमारा गलत हो सकता है बार बार वो ये कह रहे हैं कि परमाणु की बात हम इसीलिए ला रहे हैं परमा ज्ञान का अर्थ है जो यथार्थ ज्ञान कब होगा तो उस ज्ञान को जैसा हम समझते हैं वैसा ही होगा पर जैसे हमें नकली नोट में दिखता कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस गड़बड़ को हम पकड़ लेते हैं तो वो ज्ञान खंडित हो जाता है तो ज्ञान परमा के आधार पर इसलिए कहते हैं कि ज्ञान हमेशा परप्रमाण होता है ज्ञान को हमें प्रमाणित करना पड़ता है नहीं प्रमाणित करें तो कोई भी ज्ञान कैसा भी हो सकता है उस ज्ञान के साथ जो प्रमाण की शर्त द्वारा जुड़ रही है वो ज्ञान ही उसको प्रमाणित करता है और उससे हम उस वस्तु को प्रमाणित करते हैं और वो जो ज्ञान है वो प्रमाण की अपेक्षा करता है चाहे वो प्रत्यक्ष से हम उसका अंतर समझें चाहे मशीन दिखा के समझें जैसे भी उस नोट को हम बचाने तो ये हमारे लिए दो अलग अलग चीजें हैं ज्ञान का प्रमाणीकरण अलग है और ज्ञान अलग है ज्ञान आकार है कोई दिक्कत नहीं ये यही तो यही आकर के तो जो है ना वो दर्शन में बड़ी उलझने खड़ी हो जाती है कि ज्ञान की प्रमाणिकता भी अगर हम ढूंढने लगेंगे तो फिर तो प्रमाण की प्रमाणिकता और फिर ये तो अनंत कोटियां बन जाती है लेकिन बात ठीक है आपने बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात रखी है बिल्कुल
उचित है और उसके युक्तियां भी ठीक है वो बात। मैं यहाँ पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी। पहले तो सभी को नमस्कार, मैं सुषमा मेहता, डॉक्टर सुषमा मेहता। जी जी मैम प्लीज। मेरे विचार में ज्ञान की पहली तीन अवस्थाएं हैं, तीन स्टेप्स हैं, अगर हम कहें तीन सोपान है, सबसे अंत में ज्ञान आता है। पहला है ग्रहण, इंद्रिय के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी हमने देखा उसे देख लिया, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंच गई। तो पहला हो गया इंद्रिय ग्राह्य यानी ग्रहण। दूसरा हो गया चिंतन, कि जो कुछ हमने देखा उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया, उसके बारे में हमने चिंतन किया। उसके बाद तीसरा स्टेप, तीसरा सोपान हो गया मनन, कि हमने जो चिंतन किया और अंततः हमारी बुद्धि ने एक कोई भी उसका रूप ले लिया कि ये चिंतन के बाद हमें ये इसका सार मिला है। तो मनन की जो अवस्था है, जब हमने इंद्रिय से कोई विषय ग्रहण कर लिया, उसके बारे में उसका चिंतन किया, अंततः हम मनन तक पहुंच गए, उसे बहुत सारे और जितनी भी हमारी जानकारी है उसे लेकर अपने मन में, और हमने ये तय कर लिया कि इसका विश्लेषण करने के बाद ये हमें जानकारी प्राप्त हुई, वही अंततः ज्ञान है। और उस मनन को अगर हम मनन करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मनन ने अपने आप आपको वो ज्ञान दे दिया है। हमने एक बहुत सामान्य सी बात सुनी है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कभी कभी प्रश्न उठता था कि गोविंद से गुरु कैसे महान है। तो प्रश्न इस ज्ञान के संदर्भ में लें कि हर व्यक्ति में वो सीमा नहीं होती कि वो इन तीनों सोपानों को पार करे। इंद्रिय से ग्रहण सब करते हैं, हम जितने अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, सभी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में गुरु तक पहुंच पाते हैं? मुझे लगता है कि ये संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं। मैं अपनी अगर संदर्भ में कहूँ तो हमने चिंतन किया और चिंतन के बाद मनन करने की, तो ये सबकी सामर्थ्य नहीं होती। जिसने मनन किया उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की, तो उन्होंने पहले जो देखा इंद्रिय से कि माँ काली हैं, उसके बाद चिंतन किया कि क्या वो कुछ अलौकिक शक्ति हैं, और उसके बाद अंततः उन्होंने जान लिया मनन के द्वारा कि वाकई वो अलौकिक हैं। तो जब विवेकानंद उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो वो अनुभूति अपने शिष्य को भी वैसे ही करा पाते हैं, प्रमाण देने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। उन्होंने सिर्फ अंगूठा लगाया और शिष्य भी वो अनुभूति कर पाया जो गुरु का ज्ञान है, जो मनन के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया। तो आज की परिस्थिति बहुत बदल गई है कि हम सिर्फ ग्रहण तक सीमित रह गए हैं, चिंतन और मनन तक तो हम जा ही नहीं पाते। अगर वेदव्यास ये कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण है यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, तो वो जब ये बात कहते हैं तो वो अपने मन में वो धारणा वो मनन के द्वारा ये प्राप्त कर चुके हैं जो लोगों को मानते हैं, और इसीलिए उसका प्रभाव है। अगर गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने दिया है, और अर्जुन की दुविधा को समाप्त कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी उसी मनन की पराकाष्ठा में है। युद्ध के बाद, युद्ध समाप्त हो गया, तो अर्जुन ने फिर कृष्ण से कहा एक बार मित्र भाव में कि माधव आपने जो मुझे बताया था कुरुक्षेत्र की भूमि में वो ज्ञान गीता का मैं कुछ भूल गया हूँ, तो कृपया मुझे दोबारा सुनाइए। तो कृष्ण कहते हैं कि उस समय मैं अपने योग की चरम अवस्था में था और वो गीता का ज्ञान उस समय उस अवस्था में निकला है, तो मैं पुनः कोशिश करता हूँ तुम्हें देने की, लेकिन वही चरम अवस्था होगी कहना मुश्किल है, तो उस समय मैं तुम्हें कितना बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। तो मेरे विचार में ज्ञान एक प्रक्रिया है और अंततः मनन तक अगर वो स्थिति, मानसिक स्थिति पहुंच जाती है इंद्रिय से लेकर मनन तक, तो निश्चित रूप से हम जी धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी। अच्छा। ने कहा कि सहजानाति तो संज्ञान विज्ञान और प्रज्ञा, तो वो प्रज्ञा निश्चित रूप से मनन का ही वो अंततः है। जी धन्यवाद। अच्छी बात है, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया। मैडम मीनाक्षी आप कुछ कहना चाह रही हैं? You have raised the hand. हाँ जी सर, मैं ना जरा सा शिरकत करना चाहती हूँ। शिरकत करना शब्द तो उर्दू का है वैसे, लेकिन मेरे को ये थोड़े बहुत वर्ड सारी लैंग्वेजेस के यूज करने की आदत है, लेकिन मैं आज की आपकी सारी
सारी चर्चा के बीच में थोड़ा सा आपने एक छोटी सी बुद्धि से एक सवाल जो उठा है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि उसका निवारण किया जाए। जैसे कि मैंने अभी तक जो भी सुना या ज्ञान के बारे में जो भी पढ़ा नॉलेज के बारे में, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि नॉलेज जो है वो आपको बांधता है, जबकि जो नोइंग है वो आपको मुक्त करता है। जब हम खोज करने की बात करते हैं ना, तो ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं होता, बल्कि ये एक बाधा बन जाता है, क्योंकि ज्ञान हमें जानने का झूठा भाव देता है। जैसे कि मैं ये उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर ये देखा, ये इसका इस चीज का ज्ञान होना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये एक बाधा होता है। लेकिन इस चीज का एहसास होना, यानी कि नोइंग होना, यानी कि इसको जानना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये एक मुक्ति का भाव है। और ये कहा जा सकता है कि ये हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वो बंधन है और जो नोइंग है यानी जानना है वो स्वतंत्रता है। क्या मैं सही हूँ? क्या बात है, ये तो मुझे लगता है कि मैडम सुषमा जी के बात को आपने आगे बढ़ा दिया, तो मुझे लगता है हाँ जी मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। और कल रात से जब से आपने बोला था कि इसके बारे में कुछ आप पढ़ो, तो मुझे जो कुछ भी लगा वो यही लगा कि जो एहसास है वो स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, और वही तो जानना होता है, और जानने से ही स्वतंत्रता मिलती है। जबकि जो ज्ञान है वो हमें बांध देता है, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो विश्वास होता है जो हमें कई पीढ़ियों से मिलता चला आ रहा है। बंधन का भी तो ज्ञान आवश्यक है। डॉक्टर अविनाश, मैडम सुषमा जी, क्योंकि ये उन्हीं की जो है ना ये कड़ी का प्रश्न है, तो एक बार वो टिप्पणी कर ले फिर आप उसके बाद। यहाँ पर आपने जो कहा नोइंग और नॉलेज, ये दो शब्द ही अपने आप में वो अलग हो रहे हैं। नोइंग प्रक्रिया है, ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसीलिए जब तक आप जानने की प्रक्रिया में हैं तब तक आप जो भी चाहे समझ सकते हैं। आपकी आवाज प्रक्रिया से अंततः पहुंच जाते हैं ज्ञान प्राप्ति में। वो बांधता नहीं है, बल्कि आपको और विशाल आसमान देता है कि आप दूसरों तक उसको फैला सकें। आप अपने आप को उन पर थोपते नहीं है, आप उन्हें समझाने, जैसे मैंने श्री रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया कि उन्होंने ये थोपा नहीं कि तुम काली को मानो। विवेकानंद को उन्होंने कहा कि ईश्वर है, जैसे मैंने देखा तुम भी देख सकते हो। तो वहां पर नोइंग है प्रक्रिया। जैसे हमें अगर बात करें हम कि हमें छत तक पहुंचना है, तो जो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ये नोइंग ज्ञान की वही प्रक्रिया है, और छत समझ लीजिए ज्ञान है, तो वो प्रोसेस है। तो प्रोसेस में तो अगर आप घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं या घर से मॉल जाने के लिए निकलते हैं तो वो रास्ता है, मॉल पहुंचकर आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो मेरे विचार में जो प्रोसेस है तो वो आपको सोचने समझने की बहुत सारी सामर्थ्य है, और अंततः निर्णय आपका है, मनन आपका होगा। सिर्फ अध्यात्म नहीं है ज्ञान। अगर आप किसी भी विषय में जानना चाहते हैं, क्या वो सब्जेक्टिव भी हो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपकी उस पर पूरी जानकारी होना, वो तीनों स्टेप्स में आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने क्या चिंतन किया, आपने अपने एनालिसिस, अपनी विचार क्या है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि पृथ्वी घूमती है, आर्यभट्ट ने कहा धरती घूमती है, सूर्य स्थिर है, मैं क्यों मानूं, मैं अपने आप उसका चिंतन क्यों ना करूं। तो आर्यभट्ट ने वही एग्जाम्पल दिया, उन्होंने जो चिंतन मनन किया, इसीलिए वो अपने ज्ञान पर दृढ़ रह पाए, इसीलिए उनका नाम आर्यभट्ट है, अच्छा योद्धा, कि उन्होंने कहा धरती घूमती है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नाव में बैठे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किनारा चल रहा है, किनारे पर बैठे लोग चल रहे हैं, नाव नहीं चल रही है, वो स्थिर है। तो यहाँ हमारी भी वही धारणा है कि हमें पता नहीं चलता कि धरती घूम रही है, सूर्य हम देखते हैं निकल रहा है डूब रहा है, तो हमें लगता है शायद सूरज घूम रहा है। तो उनका जो ये तीनों प्रक्रिया है, इंद्रिय ग्रहण, दूसरा चिंतन और फिर मनन, तो उन्होंने उनकी ज्ञान को, अवधारणा को दृढ़ कर दिया। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्ञान का मतलब सिर्फ अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ज्ञान बहुत व्यापक है, वो विषय में भी हो सकता है जो पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, मेरे विचार में वो बहुत व्यापक है, सिर्फ उसी एक आधार पर हम नहीं ले सकते।
जी 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 अविनाश जी, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं, बड़ी अच्छी बात अभी जो चर्चा चल रही है, मैं तो स्वयं इससे लाभ प्राप्त कर रहा हूँ सुषमा जी के जो दिए गए उत्तर के माध्यम से और इनके प्रश्नों से भी। वस्तुतः इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये कभी कभी बंधन का कारक भी हो जाता है, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा है रिते ज्ञानान मुक्ति। अब प्रश्न उठ खड़ा आता है कौन सा ज्ञान। अभी हमारे साथ असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हम सूचना को भी ज्ञान समझने लगते हैं, जो हमें सूचना प्राप्त हुई उसे भी ज्ञान समझने लगते हैं। और ज्ञान क्या है, इसको बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित किया गया है उसके लाभ को, कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनात् आपनोति, धनात् धर्मस तथा सुखम, व्यवहारिक पक्ष में ये है। तो वह बंधन का कारक तब होता है जब हमें सूचनाएं मिलती हैं और सूचना के अनुकूल हम अपने ज्ञान को माने विस्तारित करने का प्रयास करते हैं, और वह सूचनाएं सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं, और जब तक वह सूचना ज्ञान का रूप ग्रहण नहीं करती तब तक तो वह बंधन का कारक ही है। और सुषमा जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी है कि जब हम रास्ते में मॉल जाने के लिए निकलते हैं तो वह मॉल जाने का रास्ता मॉल नहीं होता, वह एक मार्ग होता है। और बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात इसी के संदर्भ में कहा है, द राफ्ट इज नॉट द सोर, सोर इज डिफरेंट एंड राफ्ट इज डिफरेंट। यही अंतर है, जब तक हम राफ्ट में बैठे हुए हैं हमारे पास तो बंधन है, लेकिन जैसे ही हम सोर पर अपने मुक्ति स्थल पर पहुंच जाते हैं समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और इसी अर्थ में कहा गया है रति ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान हमें मुक्ति भी प्रदान करता है। इससे पहले कि डॉक्टर राजेंद्र जी की भी हम टिप्पणी लें, एक प्रश्न मेरा ख्याल मैडम डॉक्टर अनीता जी का है, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। डॉक्टर अनीता, आपका कोई प्रश्न है तो या टिप्पणी? नो सर। ओके, अच्छा, वो आपने साईनाथ शान भाग जी, वो उनका प्रश्न भी वैसे उत्तर रह गया। हाँ जी जी, प्लीज। एक में जो है मुझे एक बात जोड़नी थी जी। अब मुझे लग रहा है ये जो है दृष्टि से दिव्य दृष्टि की जो प्रक्रिया है ये भी ज्ञान का ही एक क्रम है। शब्द जो है जी, सा विद्या की अभिमुखता की बात अभी भाई सबने बोला, ओके ठीक है। साइना जी, हाँ, बताइए। नमो नमः राजेंद्र जी, अविनाश जी और आशुतोष जी। जब हम सांख्य दर्शन में देखते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है कि सत्व जो है वो सत्व से हमें ज्ञान मिलता है, और उसी सांख्य में ये जो सत्व रजतम है वो महद के बाद अहंकार के बाद आता है। तो क्या हम ये जो ज्ञान है वो सत्व रज तम के लेवल के बाद आता है, और अगर ऐसा है तो फिर हम ये भी कहते हैं कि जो ज्ञान है वो ब्रह्म और आत्मा के लेवल पर है, तो क्या आप इसे मैं कैसे समझूं कि ये जो ज्ञान है वो सत्व के ऊपर भी है? ओके, जब सांख्य खुद कहता है कि वो सत्व के कारण ज्ञान आता है। धन्यवाद। और आत्मा का गुण भी बता दिया आपने। तो मैं समझता हूँ कि राजेंद्र जी की टिप्पणी लेकर के फिर आप लोगों की बाकी आप दोनों की लेते हैं। डॉक्टर, हाँ, आपने दो दो बातें आप आई पिछले जो प्रश्न था कि जो मीनाक्षी जी का, पहले मैं उसकी टिप्पणी कर दूं। उन्होंने मीनाक्षी जी ने जो कहा कि ज्ञान बंधन करता है, ज्ञान बंधन कब करता है, तो कहते ममेति बद्धते जंतु नममेति मुच्यते, कि जब मैं कहता हूँ ज्ञान मेरा है तो मैं बंधनग्रस्त हो जाता हूँ, और जब मैं कहता हूँ मेरा नहीं है, कि जब मैं कहता हूँ मेरा नहीं है तो मुक्ति हो जाती है। इसलिए ईशोपनिषद में वो कहते हैं कि ज्ञान जो है विद्याएं दो होती हैं, द्वे विद्या वेतव्य परा अपरा च, परा विद्या अपरा विद्या, परा विद्या जो संसार की ओर ले जाती है और अपरा विद्या जो है वो मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ज्ञान के हम दो भेद मानते हैं कि जब भी हमको सांसारिक ज्ञान में जाएंगे तो हमें बांधेगा ही, पर जब वो ज्ञान ब्रह्म की ओर, परा विद्या उसे कहते हैं कि परा विद्या का अर्थ परब्रह्म की विद्या, वो विद्या की ओर हम जाते हैं तो हमें उस हमारे सब संशय खत्म हो जाते हैं और मुक्त करता है। छिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,
तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि हमारे जितने भी संशय हैं वो समाप्त हो जाएंगे। छियंते सर, जो हमारे संशय भ्रम सब समाप्त हो जाते हैं कब, जब पर और अपर को हम देख लेते हैं। हम जब परब्रह्म की ओर जाएंगे तो हमारी समाप्त है, हमारा फिर हमारा अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि बूंद जो है वो समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मुक्ति का जो ज्ञान है वो वही है कि जब मैं अपने आप को नहीं मानू कि मैं ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा तो फिर मेरा बंधन कहाँ है। पर जब तक मेरे ये अभिमान रहेगा, ये हमारा बंधन का कारण होता है। कि ये जो अभिमान है ज्ञान के बाद, जो ज्ञानी होने का अभिमान है, ये हमें बांधता है। जब हम अपने ये मान लें कि मेरे कोई अभिमान नहीं है और मैं अपने को ज्ञानी नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं मुक्ति हो गया। तो ये एक उत्तर है। दूसरा जो उत्तर संभाग जी ने पूछा कि भी, संभाग जी ने पूछा कि सत्वगुण जो है वो लघु और प्रकाशक है। सांख्य कारी काम करेंगे, सत्वगुण जो है वो लघु और प्रकाशक है, वो प्रकाश करता है, तो ये ज्ञान है। और रजोगुण जो है वो मतलब उसमें चल और क्रिया, वो चल है, उत्साहशील है, क्रियाशील है। और तमोगुण जो है वो आवरक है, ज्ञान से उल्टा है। तो ज्ञान से उल्टा जो है तमोगुण है। ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, इसी से जो सांख्य की प्रक्रिया चलती है, उसमें मन बुद्धि अहंकार इन्हें कह रहे हैं। तो ये बात भी बार बार आई कि मन बुद्धि अहंकार जो है, तो अहंकार जो है, अहंकार का अर्थ है कि मैं जब मैं अहंकार में हूँ, ये हम तीनों को अंतःकरण कहते हैं सांख्य में, कि तीनों अंतःकरण है। और तीनों अंतःकरण में क्या हुआ कि जब मैं निश्चयात्मिका वृत्ति है तो मैं ज्ञान मानता हूँ, एक ही चीज़ है वो, तीन अलग अलग चीज़ें नहीं है। हम खाली भेद केवल शास्त्र विवेचन के लिए कर रहे हैं कि जब मैं ये मान रहा हूँ कि ये निश्चयात्मिका है, जब मैं निर्णय कर रहा हूँ तो बुद्धि कहलाती है, और जब मैं संकल्प विकल्पात्मक रहता हूँ तो वो मन कहलाता है। और जो अहंकार कि मैं इसका करता हूँ, जैसे कर्तृत्व का अभिमान आए तो मैं बंधनग्रस्त हो जाता हूँ। तो तीनों त्रिगुण कहलाते हैं। अब जो ज्ञान है उससे भी ऊपर है, क्योंकि जिसको महत कह रहे हैं, महत क्या है? सबसे पहले जब प्रकृति से जो महत की उत्पत्ति हुई, महत से अहंकार और अहंकार से सांख्य की जो प्रक्रिया है वो ज्ञान की अलग तरीके की है, न्याय की प्रक्रिया अलग है। न्याय के अनुसार ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है इसलिए ज्ञान नष्ट भी होता है, वहाँ अनित्य ज्ञान की बात है। सांख्य के अंदर ऐसा नहीं है। सांख्य ये मान रहा है कि जो सब कुछ किससे बना, ये दुनिया बनी किससे, तो सब वो कहते हैं कि वो दुनिया बनी किससे, तो वो प्रकृति और पुरुष किससे बनी दुनिया। तो प्रकृति में जो परिणाम हुआ, सबसे पहले महत पैदा होता है, कि महत पैदा होने का अर्थ क्या हुआ कि महत तो बुद्धि है, ज्ञान तो वहाँ से आ रहा है, सत्वगुण से नहीं आ रहा है। पहले हम महत की बात करें कि महत जो है उस महत से फिर अहंकार बनता, इच्छा पैदा होती है, ज्ञान दुनिया भवित इच्छा। तो कहते पहले ज्ञान होगा, उसके बाद इच्छा होगी। अगर इच्छा मेरा ज्ञान ही नहीं तो मैं इच्छा कैसे करूँगा? तो ज्ञान और इच्छा दोनों आते हैं, तब तीसरी जो चीज़ है वो अहंकार बनता। तो मन बुद्धि अहंकार बनने के बाद में सत्व रजस्तम का रूप प्रकट होता है। तो सत्व जो है वो सत्व ज्ञान का प्रकाशक है, पर उसके साथ में मेरे में अज्ञान का भी बोध है। अज्ञान का बोध इसलिए हुआ कि मेरे अंदर तमोगुण भी होता है। हम ऐसा नहीं कि सत्वगुण में रहते हैं, हम बीच बीच में कई बार भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर इतना सत्वगुण है उतना तमोगुण भी रहता है। तो एक दूसरे के विरोधी धर्म है। तो सत्व और उसका विरोधी तम, इधर रजगुण जो है वो प्रकृति, वो जो है क्रियाशील है और वो जो है हमें उत्साहित करता रहता है, और तमोगुण हमें रोकता रहता है कि मत जाओ कहीं। तो एक हमें मतलब बैराग्य की ओर ले जा रहा है और एक हमें वस्तुओं के पीछे भागने का कर रहा है। तो ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, और इन तीनों गुणों के कारण ही हम इस उलझन में रहते हैं, इसीलिए हमें मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का जो रास्ता होगा वो मुक्ति का रास्ता, जैसे हम महत को समझ लें और प्रकृति से हम पुरुष की ओर जाएंगे तो हमें मुक्ति हो जाएगी। ये इसका मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। अविनाश जी बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी, क्योंकि समय लगभग हो गया है। अगर आप और उसके बाद किसी और ने कोई टिप्पणी करनी हो या कोई प्रश्न करना हो, कोई अपनी जिज्ञासा रखनी हो, तो फिर हम इसको पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे। अच्छा सुभाषिनी बारिक, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब इनका प्रश्न ले लें। सुभाषिनी बारिक जी आप अपने को मैडम अनम्यूट करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। यहाँ उपस्थित सभी जनों को, सभी विद्वानों को मेरी प्रणाम। पहले मैं प्रोफेसर राजेंद्र जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया और आप सभी को सुनने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया। मुझे अपनी क्लासरूम याद आती है इस वेबिनार को अटेंड करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जिस तरह से आशुतोष जी ने नॉलेज,
का थॉट के साथ, लैंग्वेज के साथ एम्बिग्युइटी किस तरह से हो रही है, उसके साथ साथ लिमिट्स ऑफ नॉलेज को पहले उपस्थापन किया हम सबके सामने। उसके साथ प्रोफेसर राजेंद्र जी का व्याख्यान वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू और ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों को लेते हुए किस तरह से ज्ञान की क्रम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन और एग्जाम्पल के साथ सुनने रखा। और फाइनली जिस तरह से ज्ञान को सत्य और नवीनता के साथ जोड़ते हुए अविनाश जी ने इसको प्रकाश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ाती हूँ और मैं दर्शन शास्त्र की छात्री भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया चीज सुनने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी क्लासरूम में मेरे बच्चों के सामने इस चीज को एक नवीनतम उपाय के साथ रूप के साथ उपस्थापित करने के लिए एक मौका भी मिल रहा है। सर प्रश्न तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रही हूँ, और बीच में जैसे सुषमा जी ने कहा ग्रहण चिंतन और मनन की बात, ये इस समय मेरी ग्रहण के समय है और साथ साथ क्लासरूम की जो चीज है, नहीं ग्रहण तो मैम हम हर समय करते हैं, क्योंकि बुकिस नॉलेज और जिस तरह की ऐसा वेबिनार में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सारे सूचना को हम ग्रहण करते हैं और साथ साथ हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ उपस्थापन करने की मौका भी ढूंढते हैं कि कुछ चीजें हमारी मनन की प्रक्रिया में आ जाए, हम उपस्थापन करने से पहले उस चीज को अपनी अंदर संभाल ले और उस चीज को आफ्टर रियलाइजेशन बच्चों के सामने रखे, ताकि उसमें वो ज्ञान का झलक नजर आए जिससे वो उस चीज को ग्रहण करने में कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए। मेरे जब स्टूडेंट टीचर रिलेशन की मैं बात करती हूँ, क्योंकि जिस गुरु शिष्य परंपरा से हम आए हुए हैं भारतीय दर्शन की, उस गुरु शिष्य परंपरा में उस शिष्य का वो नजारा तो रहा नहीं, लेकिन गुरु अगर उस तरह से अपने आप को उपस्थापित करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं शिष्य में वो चीजें नजर आती है, उन्होंने कहीं ना कहीं रिसेप्टिव बन जाते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि नॉलेज जैसे सर ने कहा, राजेंद्र सर ने कहा कि नॉलेज आपको बंडेज नहीं देता है, लिबरेटेड करता है, मुक्त करता है, वही वाली बात है। जब हम किसी भी ज्ञान को सिर्फ अपना नाम बना के सभी के लिए विथ इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ हम सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को उस लेवल तक समझाने की कोशिश करते हैं जिस लेवल में वो खुद किसी एग्जाम्पल के जरिए उसको समझने की कोशिश करे, और उससे वो कहीं ना कहीं उसके मन में जो शंकाएं आती हैं वो हमारे सामने प्रश्न के नाते उपस्थापित करता है। और इसमें एक बड़ी सी बैरियर आती है लैंग्वेज, जो सर ने पहले कहा है, लैंग्वेज अगर आप अपनी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, जैसे मदर टंग की मैं बात करती हूँ, मातृभाषा की बात करती हूँ, अगर मातृभाषा में कुछ चीजें उपस्थापित होता है तो उसकी जो अर्थ मेरे में आती है, उसकी जो समझ मेरे में आती है, जब मैं उसी चीज को इंग्लिश लैंग्वेज से लेने की रिसीव करने की कोशिश करती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक डायलेमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है। और उसको मैं पहले क्या करती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई एम टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, माई मदर टंग इज ओडिया, सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन हिंदी लैंग्वेज, व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी, आई मीन एंड उस तरह से मेरी कहने की मतलब ये है कि जब तक आप उस लैंग्वेज को पूरी तरह से समझ ना ले, पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति के फॉर्म में ना लाए, आकार ना दे पाए, तब तक उसके समझ में गड़बड़ी आ जाती है। और जहाँ गड़बड़ी आ जाती है समझ में, वो ज्ञान को एक पूर्ण ज्ञान तो मैं वो उस सेंस में नहीं कहूंगी, क्योंकि परा और अपरा ज्ञान की भी बात होती है, जो हम उस हाथी के सामने अंधों की तरह है, हमें जितनी ज्ञान मिल जाती है हम उसी को लेके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर समझदारी से काम करने की कोशिश करते हैं, समझ हमारी अच्छी होती है, तो आगे हम इस चीज को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरा ये कहना कि इसमें लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है सर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज पर्टिकुलरली यहाँ ज्वाइन करते हुए, क्योंकि
मुझे, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा आलोकपात करने की कोशिश करती, बट ओवरऑल आई गेन्ड अ लॉट. थैंक यू ऑल सो मच सर. रिफ्लेक्टिव नॉलेज की बहुत जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव नॉलेज तब आएगा जब आपकी समझ आएगी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बल्कि आपने जो कुछ कहा वो तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही हो गए हमारे लिए तो. नहीं नहीं सर, बहुत कुछ है इसमें. जी जी, दिक्कत यही आती है कि जब हम नॉलेज को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं तो वो दुख का कारण बन जाती है, पीड़ा का कारण बन जाती है, पर जब उसे इंटेलिजेंस के साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाती है. और यही हमें करना नहीं आता. और आज जो हमने दोनों विद्वान वक्ताओं के और जो प्रश्न बीच में आए हैं, टिप्पणियां बीच में आई हैं, वो वाकई आज मुझे एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि भाई ज्ञान का क्षेत्र और हमारी क्षमताएं दोनों का तालमेल नहीं है. तो मुझे नहीं पता कि अपने दोनों हाथ फैला करके भी हम ज्ञान को कितना के धारण कर पाएंगे. ये तो मुझे लगता है कि पुनः जा करके मुझे कुछ कुछ साधन को तब कुछ और करने होंगे, तो फिर दोबारा आकर के जो है इस विषय पे चर्चा करें और फिर हम कह सकें कि हाँ अब कुछ हम समझ पा रहे हैं. लेकिन इससे पूर्व कि हम ये समाप्त करें, मैं आप लोगों के साथ जो शेष रह गई थी स्लाइड्स वो बस एक साझी कर रहा हूँ. मैं उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, लेकिन वो शेयर नहीं करूँगा तो मुझे लगेगा कि भी कुछ रह गया. तो उसके बाद बस धन्यवाद करके हम जो है वो विसर्जन करेंगे. तो स्लाइड्स में दो तीन स्लाइड्स शेष रह गई थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं. अब मैंने यहाँ तक आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की थी, उसके बाद जो कुछ बातें थी वो ये थी कि वही जो एक तो ये जो है 7 कैटेगरीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन जो हैं कि नॉलेज के ये 7 प्रमाता जो हैं, ये 7 प्रमाता होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए. एक जो पक्ष हम बात नहीं कर पाए वो स्यादवाद और अनेकांतवाद के, कि वहाँ तो ज्ञान को परिभाषित करना ही बड़ा कठिन हो जाता है. और फिर इस ज्ञान की जो लिमिटेशंस हैं, जो वो आपकी लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड लिमिटेशन ऑफ योर नॉलेज, ये सारा कुछ मिलाकर के आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे चलते हैं. एक जो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज्ञान के 3 पक्ष हमने ध्यान देने चाहिए थे, वो ये है कि एक ज्ञान आपका होता है इदम अहम वाला, कि दिस इज आई. आप अपने आप को किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यू से यू शेयर कि दिस इज आई. और सेकंड लेवल इज अहम इदम, आई एम दिस. आप किसी अन्य चीज के साथ आइडेंटिफाई करके, कभी चीजों को अपने साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इदम अहम हो जाता है, और कभी आप अपने आप को दूसरी चीजों के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अहम इदम हो जाता है. तो तीसरा जो लेवल है जिसकी अपेक्षा हमें रहती है और जिसपे अभी मैडम बात भी कर रहे थे, वो है अहम अहम इदम इदम, कि I am I and this is this. तो ये डिफ्रेंसिएशन जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो ज्ञान के इन पक्षों को भी हमें ध्यान देना होगा. अगली जो स्लाइड थी वो आप बड़ी सिंपल सी है कि कम्युनिकेशन में, ज्ञान का कम्युनिकेशन जो है उस पर भी हमें विचार करना होगा कि उसको डिकोडिंग कैसे की जाती. कोडिंग करते हुए हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको डिकोड करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों का जो सॉफ्टवेयर होता है दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है. इसीलिए सारे समाज में अव्यवस्था सारी मनुष्यता में फैली हुई है कि जो कहने वाला कह रहा है और उसको हम वैसा हम नहीं समझ पा रहे. और उसके बाद ये लगभग कुछ एक प्रश्न थे, और ये प्रश्न कहाँ से खड़े होते हैं जब दो स्थितियों के बीच में, एक होती है आई नो की स्थिति और एक होती है आई वॉन्ट टू नो या आई डोंट नॉट नो. तो उसके बीच में से ये कुछ एक प्रश्न थे, मैंने सांझे नहीं किए हैं, लेकिन बाद में मैं आप लोगों के साथ, अगर आप में से किसी को आवश्यकता हो तो मैं ये पावर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. अच्छा, एक इसमें से प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही जो है वो क्या नॉलेज का पर्पस है. क्या हम इस तरह से परिभाषित करें, वेस्ट में लगभग इसी तरह का है और सारी की सारी जो साइंसेज हैं उनकी जितनी डेफिनेशंस हैं वो लगभग इसी तरह की हैं, जहां पर वस्तु यूटिलिटेरियन सारी डेफिनेशंस हैं. और एक जो प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण था जो हम लोगों से सभी से छूट गया,
In what terms knowledge gained from stories, poems, narratives are different from the scientific means? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हम छोड़ गए, और इसी तरह से ये एक लास्ट स्लाइड थी, इसमें भी एक प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हाउ द नॉलेज ऑफ आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स, डार्विन, हीगल वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, एंड वट अबाउट द नॉलेज विच द लॉर्ड जीसस हैड। ये एक बड़ा मजेदार प्रश्न था, एंड सेम इज द केस विद इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन पीपल ट्रेडिशंस एंड देयर नॉलेज सिस्टम्स। सो ये कुछ एक प्रश्न थे जो मैं सांझे करना चाहता था, लेकिन फिर वही है कि वो समय की सीमा रहती है, और तो फिर कभी से ही इन प्रश्नों को हम दोबारा भी ले सकते हैं, या आप में से कभी कोई प्रश्न को उठाना चाहे, लेना चाहे और चर्चा करना चाहे तो उसका स्वागत है। तो मैं आप सबके प्रति, आज के दोनों मुख्य वक्ताओं के प्रति, अपना कॉलेज की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों ने आज वाकई वो काम किया है। मुझे लगता है कि ट्रेडिशन में जो विजडम वाले एक्शंस और विजडम वाली जो बातें होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और बीच में उसको मैंने रेफर भी किया था कि पुराने जमाने में जब चूल्हों के जलते थे और उनके ऊपर जब राख धीरे धीरे जम जाती थी उन लकड़ियों पे, उन कोयले के ऊपर, तो एक वो फूंकनी लेकर के जो स्त्रियां होती थी वो उसके ऊपर की राख उड़ाती थी और फिर से अग्नि प्रज्वलित हो जाती। तो ये वेबिनार्स, ये सेमिनार्स इसी दृष्टिकोण से होते हैं। विद्वान वक्ता जो होते हैं वो ज्ञान की फूंकनी से हमारे ऊपर जड़ी जो चढ़ी हुई धूल होती है भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवहारों की, वो उसको दूर कर देते हैं। और आज दोनों वक्ताओं ने, बल्कि तीनों वक्ताओं ने, मैं तो कहूँगा कि मैडम सुषमा मेहता जी ने भी अपनी ओर से जो बात रखी है वो बड़ी प्रभावी थी। उससे हम लोगों की जो चढ़ी हुई व्यवहारों की धूल थी, विस्मृति की धूल थी, तो वो एक बार फिर प्रज्वलित हुई है और इतने सारे प्रश्न हमारे साथ सामने आ गए हैं। और वेबिनार्स का दूसरा पर्पस होता भी यही है, कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना नहीं होता, उसमें से प्रश्न लेके जाने होते हैं ताकि हम दोबारा जब लौट करके आए, दोबारा जब मिलें, तो नई चेतना के साथ, नए संदर्भों के साथ हम मिलें, बातचीत करें और जो मनुष्यता का उत्तरदायित्व है, धर्म है, उसका हम निर्वाह उचित रूप से कर सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सचमुच आप लोगों ने मेरे ज्ञान में वृद्धि की है, मेरी दृष्टि को व्यापक बनाया है, उसके लिए आप सबके प्रति मैं प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। और यदि किसी ने अपना फॉर्म नहीं भरा है, मैंने लिंक शेयर कर दिया था, उसको प्लीज आप भर दीजिएगा, और जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे और फिर कुछ नए विषयों पर बात करेंगे। मैडम सुभाषिनी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, और निश्चित रूप से आप कोई आयोजन इस तरह का करना चाहें तो जरूर उसके लिए स्वागत है, तो जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा जरूर उसको करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सदानंद जी, आप बहुत लेट जुड़े सर, वो लिंक दोबारा एक बार शेयर कर दीजिए। जी जी जी, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको चैट बॉक्स में कर दीजिए। सदानंद जी, कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई सर। ये तो आपके सहयोग से ही है सफल, मेरे अकेले का नहीं है, सभी का है, सभी ने मिलकर कार्य किया है। आप लेके आते हैं ये बहुत बड़ा विषयों का चयन भी अपने आप में ये ज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा है। नहीं, ये आप जैसे अच्छे मित्र मिल जाए ना तो कोई ना कोई नई बात तो फिर आएगी ना सामने सर।